हेलो 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 पर अपने इस सॉफ्टवेयर में ब्राइटनेस कम रहता है, देखते हैं ना, मतलब बहुत डल दिखता है, ऐसा लगता है। वीमिक्स पे जाना चाहिए क्या अपन ने? तो लग रहे हैं नहीं, क्वालिटी मतलब अच्छा नहीं आ रहा यार। इवन द कैमरा इज गुड, या कैमरा के सेटिंग में गड़बड़ है? वाइट बैलेंस ऑन किया हुआ है क्योंकि वाइट शर्ट पहना होता है इसलिए। कि लाइटिंग सफिशिएंट है वीमिक्स में, तक क्लियर दिखता है, इसमें नहीं दिखता है। देख तू इधर देख, इतना डल दिखता है। क्लैरिटी ही है ना मतलब। देख हाँ अभी देख, तूने क्या की, इस पे क्लिक किया, थोड़े अपने सेटिंग्स इंप्रूव करने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, रुक जाए एक सेकंड। हाँ अभी दिखेगा, थोड़ा बेटर है। अपना इसका मॉनिटर भी खराब हो गया क्या? नहीं तो चेंज करो ना। ठीक है अभी तो लेक्चर लेंगे, बट अदरवाइज रुक जाए मिनट। सेकंड सीन पे जा जरा एक बार। रुक जाए कुछ मत कर, अब देख ठीक है। आई थिंक हमको थोड़ा क्वालिटी पे काम करना चाहिए। नहीं नहीं वैसे अभी तो शुरू करेंगे।
Online students, please confirm, am I audible and visible to you? Sure, let's get started. Bas bas theek hai. Okay, good morning everyone. I think good afternoon, sorry. I hope you guys are doing great. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 5 के अंदर इनकम स्टेटमेंट कैप्शंस दैट इज पीएनएल वाला पार्ट डिटेल में डिस्कस किया था. आज का टारगेट है बैलेंस शीट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. उसके अंदर एसेट साइड एज वेल एज लाइबिलिटी साइड दोनों एरियाज को डिटेल में कवर करना चाहेंगे. विल ट्राई टू टॉक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि नॉर्मली क्या क्वेश्चन आते हैं. कल आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ओवरव्यू दिया ही था दैट इस चैप्टर में पहले हमको वी हैव टू लुक फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड देन वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू आंसर इवन फॉर जनरल क्वेश्चंस अगर आईसीआई पूछता है. लेट्स गो एंड डिस्कस फर्स्ट द असर्शंस फॉर बैलेंस शीट. 5 मिनट वहां स्पेंड करते हैं एंड देन विल कम टू बैलेंस शीट कैप्शंस. आइए लेट्स डिस्कस द असर्शंस फॉर बैलेंस शीट इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 5A.5 assertions for balance sheet captions. मतलब अगर मैं balance sheet का कोई भी line item check करता हूं, मतलब अगर मैं PPE check कर रहा हूं, cash and bank check कर रहा हूं, inventory check कर रहा हूं, borrowings check कर रहा हूं, any line item of balance sheet, there are certain assertions जो management ने comply करने चाहिए to prepare financial statements and वही assertions को auditor क्या करेगा, check करने के लिए जाएगा. ये हमने income statement के लिए discuss कर लिए थे. आज का discussion होगा for balance sheet. सबसे पहले कोई भी बैलेंस शीट आइटम को जब आप चेक करते हो यू कीप इन माइंड अबाउट द वर्ड एग्जिस्टेंस. क्या वर्ड है? एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में इन्वेंटरी दिखता है 100 करोड़, तो आपका पहले दिमाग में डाउट आएगा ये इन्वेंटरी एग्जिस्ट भी करता है क्या. अभी जो एग्जिस्टेंस है ना, कुछ कुछ चीजों के लिए अब फिजिकली वेरीफाई कर लो उससे एग्जिस्टेंस पे कंफर्ट आ जाएगा. मतलब सर आप क्या कर सकते हो, इन्वेंटरी को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, आपके टैंजिबल एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, पर जो इंटैंजिबल एसेट्स है या जो अमाउंट्स है लाइक रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का एग्जिस्टेंस फिजिकली नहीं देखा जा सकता है. उसके एग्जिस्टेंस के लिए अमाउंट पे थोड़ा कंफर्ट लगेगा, थर्ड पार्टी का रिप्लाई लगेगा, इसीलिए हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं फॉर टैंजिबल एसेट्स. फॉर ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अमाउंट एग्जिस्टेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं 505. क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? व्हाट इज 505? एक्सटर्नल कंफर्मेशन. थर्ड पार्टी को लेटर भेजो, अगर वो रिप्लाई करता है तो कैन बी से वो रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है, पेएबल एग्जिस्ट करता है. अगर थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करेगा तो हमें डाउट आएगा कि भाई ये एक्चुअली ट्रांजैक्शंस हुए भी होंगे या नहीं हुए होंगे. तो एग्जिस्टेंस में सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के पास बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, जो इक्विटी बैलेंसेज हैं, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं. दैट इज आवर थॉट प्रोसेस इन द फर्स्ट असर्शन. It is called as existence. यहां पर आप physical verification भी कर सकते हैं and confirmation letter भी भेज सकते हैं to confirm the outstanding balances. Is the assertion number one clear to you? This is called as existence. हम आपको examples देंगे. जब PPE पढ़ाएंगे तो physical verification आएगा. कैश एंड बैंक वगैरह जब जाएंगे तो कैश एंड बैंक में कैश इन हैंड के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, बैलेंस विद बैंक के लिए कंफर्मेशन लेटर ही भेजना पड़ेगा. दूसरा चीज जो बैलेंस शीट असर्शन में दिमाग में रखने वाली चीज है, इट इज कॉल्ड एज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. क्या चीज है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. सुनिए, कंपनी के बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उनका उनके ऊपर राइट्स होना चाहिए एंड कंपनी के बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी में अमाउंट दिख रहे हैं उनके लिए ऑब्लिगेशन होना चाहिए टू मेक पेमेंट. मतलब सर अगर मैं बोलता हूं देयर इज अ
बिल्डिंग्स इन माय बैलेंस शीट बिल्डिंग का अमाउंट 100 करोड़ दिख रहा है, तो ये बिल्डिंग के जो ओरिजिनल पेपर्स है, टाइटल डीड्स है, वो किसके नाम पे होने चाहिए? कंपनी के नाम पे होने चाहिए। या तो कंपनी ने आउटराइट बिल्डिंग को परचेस किया होगा, या लैंड अक्वायर करके खुद से कंस्ट्रक्शन किया होगा। एनी विच वेज डॉक्यूमेंट चाहिए जो सपोर्ट करते हैं कि इस एसेट के ऊपर राइट्स किसका है? कंपनी का है। दिस इज कॉल्ड एज राइट्स फॉर द एसेट्स। ऑब्लिगेशन इज फॉर लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एज ए कंपनी पैसा बोरो किया, लेट्स से 20 करोड़ का लोन लिया है, कहना इसे लोन का एक डॉक्यूमेंट रहेगा, अग्रीमेंट रहेगा, जो बताएगा कि आपने एज अ कंपनी इस बैंक से पैसा बोरो किया है, आपको इन इन पार्ट्स में ये पेमेंट करना पड़ेगा। सो इट विल रिप्रेजेंट दैट देयर इज अ ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी टू एक्चुअली मेक द पेमेंट ऑफ लोन्स। तो हमको एसेट्स के लिए राइट्स देखना होता है एंड लाइबिलिटीज के लिए ऑब्लिगेशन देखना होता है। तो पहला असर्शन है एग्जिस्टेंस, दूसरा हो गया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तीसरा चीज, बैलेंस शीट आइटम में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन। क्या होता है? वैल्यूएशन। अब देखो, ट्रांजैक्शंस में क्या था? परचेस किया 500 रुपए के अंदर, उतने में एंट्री कर दिया, परचेस किया 5 लाख के अंदर एंट्री कर दिया। बैलेंस शीट में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वैल्यूएशन, क्योंकि बैलेंस शीट के अमाउंट्स को एएस इंपैक्ट करता है, इंड एएस इंपैक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बात करोगे, किसका बात करोगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आपने पढ़ा होगा एएस 10 बोलता है, व्हेन योर एसेट इज पुट टू यूज, तब तक जो जो आपका कॉस्ट आया होगा वो सब इकट्ठा करके क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। आपको एएस 10 में बताया भी होगा क्या क्या कॉस्ट कैपिटल में इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, वो भी बताया जाएगा। फिर आपने सुना होगा डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन, क्या भी वो एक तरीके से वैल्यूएशन प्रिंसिपल है? यस। फिर आपने सुना होगा इंपेयरमेंट लॉस, क्या सुना होगा आप लोगों ने? इंपेयरमेंट लॉस, कि मतलब बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू 20 करोड़ है, बट एक्चुअली में इस एसेट से हमको फ्यूचर में 20 करोड़ मिलने वाला नहीं है, तो कहना इसे हमें लगता है बुक्स के अंदर एसेट की वैल्यू क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। यह भी एक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। तो हमें बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा, अमाउंट इन्वॉल्व बराबर है या नहीं है। इसके लिए मेजोरिटी केसेस में कोई ना कोई एएस अप्लाई होता है। अगर एएस नहीं है तो कंपनी का खुद का पॉलिसी होगा कि हम कैसे अमाउंट को वैल्यू करेंगे। इधर देर विल बी एएस और इंडेस, और देर विल बी इंटरनल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अगर एएस इंडेस है उसका कंप्लाई होना चाहिए, इंटरनल पॉलिसी है तो पॉलिसी समझ करके बराबर से अमाउंट कंसिडर किया है या नहीं किया है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे इनकम स्टेटमेंट में मेजरमेंट था, यहां पर क्या है? वैल्यूएशन है। उससे सिमिलर वर्ड है, बस अलग उसका थोड़ा रेलिवेंस है। अभी के लिए बैलेंस शीट आइटम सबसे पहले चेक करेंगे एग्जिस्टेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन लेटर। दूसरा हो गया वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में अलग अलग चीजें आएगी, इसमें कितने टाइम से पैसा आउटस्टैंडिंग है वो भी देखना पड़ेगा, एजिंग एनालिसिस भी करना पड़ेगा, एएस इंडेस का एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन ओपन एंडेड होता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस हर वैल्यूएशन प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करेगा। इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना पड़ेगा, जो हम करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द असर्शन। मैं आपको जैसे इनकम स्टेटमेंट असर्शन बताए थे, वैसे ही बैलेंस शीट असर्शन का ओवरव्यू दे रहा हूं। हमने तीन असर्शन पढ़े, पहला एग्जिस्टेंस, दूसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड तीसरा वैल्यूएशन। अब ना एक असर्शन जो है जो एकदम सेम है, जो आपने जो इनकम स्टेटमेंट के लिए पढ़ा था एज इट इज बैलेंस शीट के लिए भी है, इट इज कॉल्ड एज कट ऑफ। इट इज कॉल्ड एज कट ऑफ, सेम चीज है ना। हम कट ऑफ में क्या चाहते हैं? जो दो पीरियड है उनका बराबर से डिविजन होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए। एक बात सोचो, अगर क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली उस पीरियड का पेबल और रिसीवेबल का बैलेंस भी गलत हो जाएगा, उस पीरियड का ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी भी गलत हो जाएगा। सी, इस साल का क्रेडिट सेल्स था ही नहीं, ये सेल था अगले साल का, इस साल में रिकॉर्ड कर दिया है तो आपका सेल्स का नंबर भी बढ़ जाएगा एंड रिसीवेबल का नंबर भी बढ़ जाएगा एंड इन्वेंटरी का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो कट ऑफ हमने इनकम स्टेटमेंट के लिए पढ़ा था सेम बैलेंस शीट के लिए, रादर परचेस सेल्स ही मेरे रिसीवेबल पेएबल एंड इन्वेंटरी को इंपैक्ट करते हैं, तो कट ऑफ में कुछ अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली सेम। यहां पर कैसा है? वो ट्रांजैक्शंस थे, अब उन ट्रांजैक्शंस से कनेक्टेड कुछ बैलेंसेस होंगे, उसके लिए कट ऑफ
ऑफ काम में आएगा. तो कट ऑफ इज द सेम प्रिंसिपल, देयर इज नो चेंज. अप्रोप्रिएट पीरियड में वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा. रादर कट ऑफ के लिए ट्रांजेक्शन ही चेक करना होता है. और याद रखना, ट्रांजेक्शन का अक्यूमुलेशन ही क्या बनाता है, बैलेंसेस बनाता है. तो ट्रांजेक्शन गलत पीरियड में हो गया तो बैलेंसेस भी उस पीरियड का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इज दिस प्रिंसिपल क्लियर टू यू? बराबर है. एक और असर्शन था कंप्लीटनेस. क्या असर्शन था? ऑब्वियसली हम चाहेंगे सब कुछ जो करंट ईयर रिलेटेड है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. एक बात सोचिए, सेम एग्जाम्पल देता हूं. आप कोई भी लेट्स से पीपी चेक कर रहे हो. अब पीपी में क्या देखोगे आप? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन लेस डिलीशन गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस. अब एक बात सोचिए, अगर मैं बोलता हूं करंट ईयर में एडिशन 30 सीआर के हैं पर एक्चुअली में रिकॉर्ड किया है ओनली 20 सीआर, कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस विल बी अंडरवैल्यूड बाय 10 सीआर? मतलब 30 करोड़ का एडिशन है तो 30 करोड़ का एडिशन रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर मैं बोलता हूं रिकॉर्ड 30 के बजाय 20 का ही किया है तो क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली अंडर वैल्यू हो जाएगा बाय हाउ मच अमाउंट, 10 करोड़ रुपीस. तो कैन आई से कंप्लीटनेस का इंपैक्ट भी किसके ऊपर आएगा? बैलेंस शीट के अमाउंट के ऊपर आएगा कि जो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए. अब यहां पर कभी कभी ओवर वैल्यूएशन होगा और कभी कभी अंडर वैल्यूएशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट ने गलती कैसे किया है, इंटेंशनली गलती है या अनइंटेंशनली गलती है. याद है क्या? इंटेंशनली गलती फ्रॉड कहलाती है, अनइंटेंशनली इट इज कॉल्ड एज एरर. यस और नो? आखिरी असर्शन इज प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर. मतलब वही शेड्यूल 3AS इंडेस के हिसाब से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आना चाहिए. इतने से असर्शन है, एक बार रिवाइज कर लीजिए. सबसे पहले चेक करेंगे एग्जिस्टेंस. क्या चेक करेंगे? इसमें या तो फिजिकल वेरिफिकेशन आएगा या कन्फर्मेशन लेटर आएगा. या तो फिजिकल वेरिफिकेशन आएगा या कन्फर्मेशन लेटर. आज ऑलमोस्ट 2.5 घंटे डिस्कशन करेंगे, तब तक आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएगी. दूसरा आएगा कंप्लीटनेस. इसमें सिंपल फंडा है, हमें एक ही डर है, जो जो टोटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होकर के बैलेंस शीट को इंपैक्ट करने चाहिए थे वो सबके सब रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, कुछ ओमिशन तो नहीं हो गया है, ये चेक करना इज कॉल्ड एज कंप्लीटनेस. मतलब एसेट खरीदा रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा? बैलेंस शीट अंडरवैल्यूड दिखेगा. या एक्चुअली में एसेट खरीदा पुट टू यूज अगले साल से होना चाहिए था, इस साल रिकॉर्ड कर दिया, ये कंप्लीटनेस का प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या एसेट के अंदर अभी भी ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा? यस. मतलब बैलेंस शीट को ये सब चीजें इंपैक्ट करती है, इसीलिए इंडिविजुअली पढ़ाया जा रहा है. एक मिनट टाइम स्पेंड कीजिए, ये वाला पार्ट रीड करो एक बार एंड ये पार्ट रीड करो, जो बोलता हूं उतना रीड करके एक बार छोड़ दीजिए. 5A.5 राजेंगे नंबर 3 assertion पे कट ऑफ, whether all assets and liabilities are reported in mark the word appropriate period. ये वर्ड्स अभी तक याद हो जाने चाहिए आपको कि भाई इधर सही पीरियड में आना चाहिए, वही कट ऑफ का ऑब्जेक्टिव है. वैल्यूएशन में क्या देखोगे? कि जो अमाउंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो क्या होने चाहिए? अप्रोप्रिएट. कैन आई से इसके लिए वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स काम में आएंगे जो AS इंडेक्स से भी आ सकते हैं और कभी कभी कंपनी के इंटरनल पॉलिसी भी वैल्यूएशन को इंपैक्ट करेगी. मतलब सर वैल्यूएशन को जो भी चीज इंपैक्ट करेगी वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी देखने के लिए वेदर अमाउंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट. नेक्स्ट आइए, कैन यू सी वर्ड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. एक लाइन को मार्क कीजिएगा, वेदर एंटिटी हैज अ राइट टू एसेट्स. मतलब ओनरशिप कंपनी के नाम पे होना चाहिए, एक्चुअली में उन एसेट्स के ऊपर हमारा ही कंट्रोल एंड हमारा ही यू कैन से एक तरीके से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली फॉर लाइबिलिटीज देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑब्लिगेशन कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा. या तो आप बोरो किया होगा तो रीपे करना पड़ेगा, गुड्स परचेज किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा. देयर शुड बी एन ऑब्लिगेशन. बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटी में दिखेगा उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट का ऑब्लिगेशन होना चाहिए. एंड लास्ट चीज विल बी कॉल्ड एज पीएनडी. पीएनडी इज कमिंग फ्रॉम शेड्यूल 3 एंड AS और इंडेस. पीएनडी इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. ये बैलेंस शीट में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि AS इंडेस के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल AS 29 प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. AS 10 रिवाइज AS 10 PPE उसके प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है. मतलब थोड़ा
प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ज्यादा रेलेवेंट है इन केस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. इनकम स्टेटमेंट में भी रेलेवेंट है बट बैलेंस शीट में दे आर मोर डिटेल्ड इन नेचर. क्या आपको असर्शंस का ओवरव्यू समझा? क्या अभी तक सिर्फ आपको बताया इनकम स्टेटमेंट असर्शंस एंड कल इनकम स्टेटमेंट का डिस्कशन किया था. आज पहले बताया बैलेंस शीट असर्शन. सिर्फ दो मिनट के लिए शांति से अपने दिमाग में सोचिए एग्जिस्टेंस के अंदर फिजिकली वेरीफाई करूंगा कुछ एसेट्स को एंड जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है वहां कोई डॉक्यूमेंट चेक करूंगा या फिर कंफर्मेशन लेटर भेजूंगा. क्या करूंगा? कंफर्मेशन लेटर भेजूंगा. दूसरा वैल्यूएशन. वैल्यूएशन के लिए कोई ना कोई एएस रहेगा, इंडेस रहेगा, कंपनीज एक्ट का पार्ट रहेगा या कंपनी का कुछ तो इंटरनल पॉलिसी रहेगा जो मुझे बताएगा वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, बराबर है कि नहीं है, मेरे को चेक करना पड़ेगा. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. सर जो भी चीज खरीदेंगे इनवॉइस कंपनी के नाम पे होना चाहिए. कोई भी डॉक्यूमेंट पे रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन कंपनी के नाम पे होना चाहिए. इससे पता चलेगा कंपनी के पास राइट्स है या नहीं है. एग्जांपल गाड़ी खरीदा कंपनी के नाम पे, कहना इसे आरसी कंपनी के नाम पे होना चाहिए. कोई भी बिल्डिंग अक्वायर किया, कोई भी रियल एस्टेट अक्वायर किया, इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द एंटिटी. तो कहना इसे टाइटल डीड से समझ में आ जाएगा राइट्स है या नहीं है. ऑब्लिगेशन है क्या नहीं है, इसके लिए लोन अग्रीमेंट साइन की. किसने साइन किया? कोई डायरेक्टर ने साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ एक्सवाईजेड. तो कहना इसे ये एक्सवाईजेड ने लोन लिया है, उनको ही रिपेमेंट करना पड़ेगा. उनके नाम पे ही क्या है? ऑब्लिगेशन है. ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में चेक होता है. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल लिटिल बिट? पक्का थोड़ा लॉजिकल लग रहा है? आर यू एबल टू थिंक इन दिस डायरेक्शन? जाएं बैलेंस शीट आइटम पे. चलो लेट्स गो टू एसेट साइड. आ जाइए. एंड ऑनेस्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एसेट साइड इज मोर इंपॉर्टेंट. वो सबसे ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है. You will definitely see one question from the asset side, no doubt about that at all. एक काम करते हैं, पहले आपको कुछ important SQs, जैसे आपको बताया था उसका list बनवा के देते हैं. फटाफट से उनको marking कर लीजिए, क्या क्या specific questions हैं जो आपको पता होने ही चाहिए from chapter number 5. आइए from your balance sheet asset sides receivables में आइए. Page number 5C.3. Can you see direct confirmation procedure? SQ लिख दीजिए. उसके बाद में आइए नेक्स्ट पेज पे 5C.6. कुछ कुछ शेड्यूल 3 के या अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स से मार्क करवा रहा हूं. आईसीआई को टेबल्स बहुत पसंद है लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से, मतलब लास्ट 2-3 साल से अगर मैं नोटिस करूं तो जहां जहां कोई डिस्क्लोजर टेबल में अगर आ गया वो जनरल डिस्क्लोजर जहां दिमाग लगाना है वहां क्वेश्चन नहीं पूछता है, टेबल बनाने के लिए पूछ लेता है. क्योंकि क्या होता है 2-3 पॉइंट होते हैं, चेक करना आसान हो जाता है कितना मार्क्स दे दूं. ट्रेड रिसीवेबल्स का एजिंग शेड्यूल दिया है एक डब्बा, उस डब्बे को मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट. 5C.6 किया मार्क. चलो आगे आइए नेक्स्ट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऑनेस्टली कुछ ग्रेट है नहीं बट स्टिल डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो आ सकता है 5C.9 पे मिलेगा आपको. इसके बाद इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री में आईसीए को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है वैल्यूएशन. क्या पसंद है? हालांकि उधर कोई ग्रेट आंसर नहीं है पर क्या है, 4-4, 5-5 पॉइंट है, उनको पूछने में बड़ा मजा आता है. आइए सबसे पहले मार्क कीजिए वैल्यूएशन. उसमें तीन कैटेगरी बना के दी है, फॉर रॉ मटेरियल, फॉर WIP, फॉर फिनिश गुड्स. ऑनेस्टली क्वेश्चन तीनों पे आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक को चूज कर लो. बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप मुझे पूछोगे जनरली सबसे ज्यादा लॉजिकल होता है जो पूछने लायक होता है वो फिनिश गुड्स होता है. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर वन. बट मेरे हिसाब से WIP भी आपने पढ़ना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए. वैल्यूएशन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना आईसीआई को बहुत पसंद है. प्लीज मार्क दैट एज इंपॉर्टेंट. इसके अलावा इन्वेंटरी में जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे 5C.10 पॉइंट नंबर 4 को मार्क कर दीजिए SQ. इन्वेंटरी में जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे तो आप क्या क्या चीज चेक करेंगे? पॉइंट नंबर 4 में लिस्ट बना के दिया है. जब ऐसा लिस्ट मिल जाएगा आपको मालूम है आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करेगा कोई भी 4-5 पॉइंट आपको आने चाहिए. आइए नेक्स्ट. कम टू PPE. अब इन PPE कोई भरोसा नहीं है, उनका बड़ा बात नहीं है. 5C.14 पे आओ भाई. वो AS10 ही पूछ ले आपसे कि क्या क्या खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए, क्या क्या खर्चा कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए. एक बार रीड कर लेना पॉइंट नंबर 7 को, क्या कॉस्ट को नॉर्मली कैपिटलाइज किया जाता है, एंड नंबर 8 क्या कॉस्ट नॉर्मली कैपिटलाइज नहीं किया जाता है. ऑनेस्टली AS10 इज फार बेटर देन दिस बट स्टिल एग्जाम्पल्स है, रीड कर लो, यू नेवर नो, MCQ भी आ सकता है. ठीक है, फिर जो उनका सबसे फेवरेट एरिया बनेगा कंप्लीटनेस में आइए पॉइंट नंबर 3 मार्क एज SQ. एडिशंस कैसे चेक करोगे ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है. पॉइंट नंबर 4 डिलीशन कैसे चेक करोगे ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है. एडिशन एंड डिलीशंस
वैल्यूएशन में कुछ मजा नहीं आएगा उनको पूछ के, सीधे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बाद में आपको 5C.19 में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? इंपॉर्टेंट नोट्स. दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट. बाजू में लिख दो रीड अलोंग विद कारो क्लॉज नंबर वन. क्लॉज नंबर वन इज ऑन पीपी. उस कारो के क्लॉज नंबर वन से रिलेटेड ही मेजर कंटेंट है पूरा का पूरा. इसमें भी नोट नंबर वन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी. टेबल दिया हुआ है. नोट नंबर थ्री इंपॉर्टेंट है. टू को आप स्किप कर सकते हो, रीड करके उड़ा देंगे, बट स्टिल वन एंड थ्री इज वॉट यू शुड लुक एट. दे हैव गिवन टेबल्स एंड नए स्टडी मटेरियल में उन्होंने क्वेश्चन बनाया है दोनों पे. समझ रहे हो ना मेरा बात? आईसीएआर ने खुद नए स्टडी मटेरियल पे टेबल पे क्वेश्चन बनाया. मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा. मतलब मेरे को वेरी हाई चांस लगता है ये टेबल एज इट इज पूछ लेगा आपसे एग्जाम में. इंटेंजिबल में आ जाओ. वापस सीधा एडिशंस को मार्क करने का है. पेज नंबर 5C.22 पॉइंट नंबर 3 एडिशंस. इधर डिलीशंस इतना ग्रेट नहीं है, इग्नोर कर सकते हो आप. इधर भी सेम नोट नंबर 1 नोट नंबर 2. मेन नोट नंबर 1 ही रिलेवेंट है यहां पे. सॉरी नोट नंबर 2 उसको पार्ट ए बी में क्लब कर दिया मैंने. 5C.24 कैन यू सी ए एंड बी पार्ट ऑफ नोट नंबर 1 एसक्यू कर लो. वैसे अगर आप टेंजिबल एसेट्स पढ़ लोगे तो इंटेंजिबल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. डब्बे सेम है, सिर्फ हेडिंग चेंज होने वाली है. ये सब देख के ना डेंजरस लगते हैं, पर एक्चुअली मगर दो मिनट पढ़ोगे उसका पता चलेगा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, कुछ भी नहीं. अगर पांच मिनट भी दिमाग लगा लेना आदमी, ये डब्बा सिर्फ लास्ट डे एक बार देख करके चले गया. देखो ना, आस्क यू वन क्वेश्चन, इट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इजी. डोंट वरी, मैं सब एक्सप्लेन करके दूंगा आपको जो मैं मार्क करवा रहा हूं. डोंट वरी. आगे आ जाओ. लोन्स एंड एडवांसेस मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक आखिरी में इंपॉर्टेंट नोट है, वो इंपॉर्टेंट लगता है. 5C.27 यू विल सी ए इंपॉर्टेंट नोट. लोन्स गिवन टू डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स और की मैनेजरियल पर्सनल्स. दीज कैन बी लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड या विदाउट एनी स्पेसिफिक टर्म्स. ऐसा हो सकता है, उसके लिए डिस्क्लोजर देना पड़ता है. ये भी कारो से ही आता है. दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम कारो. दिस कम्स फ्रॉम कारो क्लॉज नंबर 3. इस इंपॉर्टेंट नोट को मार्क कर लेना एसक्यू. ये हो गया बैलेंस शीट साइड खत्म. डिस्कस करना शुरू करें. देखो पूरा फोकस स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे. बार बार बोल रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट में फिर भी जनरल क्वेश्चन आसानी से आता है. बैलेंस शीट में जनरल क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही नॉर्मली पूछे जाते हैं. पहला दो अटेम्प्ट छोड़ने के बाद कभी भी बैलेंस शीट पे जनरल क्वेश्चन, मतलब कोई एक आध गलती से मेरे से स्किप हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज इट्स ऑल स्पेसिफिक क्वेश्चन. तो थोड़ा फोकस कीजिएगा. एक एक करके शुरुआत करेंगे. पहला पॉइंट आएगा रिसीवेबल्स. आइए इन योर मॉड्यूल्स लेट्स स्टार्ट विथ रिसीवेबल्स. मैं आपको ओवरऑल भी समझाऊंगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा और उड़ाते जाएंगे. इज दैट फाइन? चलिए लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेड रिसीवेबल्स. अब ऑब्वियसली रिसीवेबल्स चेक करना है. मेरे बैलेंस शीट का एक आइटम है. कीप इन माइंड assertions. कैन आई से एग्जिस्टेंस के लिए कंफर्मेशन लेटर भेज देंगे. क्या भेज देंगे? कंफर्मेशन लेटर. दूसरा चीज, अब मेरे को डर क्या है? वैल्यूएशन. तो मैं इसके लिए ले लूंगा एजिंग एनालिसिस. क्या ले लूंगा मैं? एजिंग एनालिसिस. सुना क्या वर्ड एजिंग एनालिसिस? कुछ चीजें पता होनी चाहिए. आपने बोला रिसीवेबल का अमाउंट 100 करोड़, तो 100 करोड़ किससे आउटस्टैंडिंग है? उन्होंने बोला 100 पार्टीज है सर. मैं बोलूंगा अच्छा, ये 100 पार्टीज से कितना पैसा कब से आउटस्टैंडिंग है? मतलब इज इट आउटस्टैंडिंग सिंस लास्ट 30 डेज? इज इट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 30 डेज बट लेस देन 60? सो इट इज 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90. कितने टाइम से पैसा आउटस्टैंडिंग है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा. सबसे पहले लेट्स शुरुआत करते हैं एग्जिस्टेंस के साथ में. आइए रिसीवेबल्स के अंदर पेज नंबर 5C.3. कैन यू सी ए वर्ड एग्जिस्टेंस? कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क करवाता हूं, रीड कीजिएगा. एकदम लॉजिकल है जनरल आंसर के लिए. उतना पॉइंट भी अगर रीड किया आपने तो भी आपका आंसर आराम से हो जाएगा. रीड पॉइंट नंबर ए सबसे पहले क्या बोलता है? सेम है, कोई भी इनवॉइस मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए वरना रिसीवेबल्स ओवर वैल्यूड हो जाएंगे. कैन आई से कंट्रोल्स होने चाहिए बढ़िया. इनवॉइसेस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस, अदरवाइज रिसीवेबल का बैलेंस रिलायबल नहीं होगा. बराबर है कि नहीं? दूसरा, आपको डर क्या होता है सबसे बड़ा? कि आपके बुक्स में रिसीवेबल दिख रहा है पर एक्चुअली के अंदर हमको लगता है पैसा आएगा ही नहीं. हमें लगता है पैसा आएगा ही नहीं. कैन आई से पॉइंट नंबर ई को मार्क कीजिए. इफ एनी लार्ज बैलेंस इज ड्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रीजंस पूछने चाहिए, जस्टिफिकेशन पूछना चाहिए कि भाई क्यों आप ये पैसा रिसीवेबल दिखा रहे हैं जब हमको लगता है इतने टाइम से पैसा रिसीवेबल है और पैसा आ ही नहीं रहा है. वहां रिस्क हमारे लिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और हमें डाउट आएगा मैनेजमेंट पे, शायद ये रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, फेक सेल्स किया होगा, फेक रिसीवेबल दिखा दिया होगा. अब पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पैसा आएगा किधर से?
दो चार साल के बाद में क्या कर देंगे, बैड डेट जैसे राइट ऑफ कर देंगे, पर दो चार साल तक तो रिसीवेबल का बैलेंस इन्फ्लेटेड दिखेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कैन आई से पॉइंट नंबर ए एंड डी, डू यू अग्री विद दिस? नीचे मिलेगा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, पूरा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एक्सट्रीम डिटेल में लिख के दिया हुआ है। आई एम गोना गिव यू टू मिनट्स, पूरा प्रोसेस एक बार पढ़ लो। 505 जो समझाया था वो ही लिखा हुआ है। कोई एक आध पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे से पूछ लो, अदरवाइज एग्जाम में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, आपको रिसीवेबल्स चेक करना है, उसमें एग्जिस्टेंस के लिए आपने डिसाइड किया टू सेंड अ कंफर्मेशन लेटर। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होता है फॉर रिसीवेबल्स? 5 मार्क के लिए लिख के दीजिए। आपको आंसर सिर्फ किसके ऊपर लिखना है? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर पे लिखना है। अगर 505 थोड़ा बहुत भी आता है, इतने पॉइंट्स में से 5 पॉइंट लिखना बहुत आसान है अकॉर्डिंग टू मी। 2 मिनट के लिए पूरा रीड कर लीजिए, दिस इज अ गुड स्पेसिफिक क्वेश्चन। एनी 5 पॉइंट यू शुड बी एबल टू राइट। क्विकली गो थ्रू एनी पॉइंट यू डोंट अंडरस्टैंड, आस्क मी राइट अवे। थोड़ा मेहनत कीजिए, आपका सेल्फ स्टडी भी चल रहा है, अज्यूम कर लीजिए यहां पे। पॉइंट नंबर एच को मार्क करना इंपॉर्टेंट है फॉर करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू। डिड यू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर एच? इज इट टू फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन? याद है क्या पॉजिटिव नेगेटिव? बट ये दोनों नहीं है वैसा। देखो, the form of requesting can be either the form with balance outstanding amount, मतलब आप कंपनी के हिसाब से अमाउंट मेंशन करेंगे एंड इन्हें बोलेंगे टू रेस्पॉन्ड वेदर यू अग्री और डिसअग्री। कैन आई से आप हम चाहते हैं कि वो लोग रिक्वेस्ट किए जाए दैट दे शुड रेस्पॉन्ड वेदर और नॉट दे अग्री, मतलब रिप्लाई तो चाहिए ना। Is it positive? Yes, I will mention the amount and I want them to reply to me whether they agree or they disagree. Is this positive? Yes. रीड पॉइंट नंबर 2, द फॉर्म विदाउट एनी बैलेंस। याद करो ये भी पॉजिटिव ही है। नेगेटिव में तो बैलेंस लिखना जरूरी होता है और लिखना पड़ता है। ओनली रेस्पॉन्ड टू अस इफ यू डिसएग्री, ओनली रेस्पॉन्ड टू अस इफ ओनली इफ यू डिसएग्री, अदरवाइज रेस्पॉन्ड करने का जरूरत नहीं है। वो सेम चीज लिखेगा और बोलेगा क्या ये एग्जाम्पल है एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन का? बोलना नहीं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनली पॉजिटिव। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। समझाना आपको? अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ याद नहीं करना होता है, पता होना चाहिए बस। फिर पॉइंट नंबर ओ को मार्क करना है नेक्स्ट पेज पे। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे। यस, पहला तो ये देखेंगे भाई उनसे पैसा आया क्या। Agreeing the balance to cash received subsequently, cash or amount received in bank. मतलब 31 मार्च को receivable था,
मे बी 31 मार्च को लेटर भेजा अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर, उसने कन्फर्मेशन लेटर का रिप्लाई नहीं किया, बट हो सकता है पेमेंट ही कर दिया होगा। अगर बैंक में पेमेंट ही आ गया है तो रिसीवेबल था, इसका डाउट खत्म हो जाएगा ना मेरे को अपने आप। अगर पेमेंट नहीं आता तो अभी भी डाउट रहेगा कि रिसीवेबल है या नहीं। तो सर सब्सिक्वेंटली रिसीट हो गया है क्या? नंबर वन इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट रिसीट्स, दिस इज नथिंग बट माई सब्सिक्वेंट रिसीट्स, आया है क्या वो चेक कर लो। दूसरा एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाओ कि एक्चुअली में ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइबल है क्या, ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुए है क्या, मतलब सर एक्चुअली में हमने गुड्स बेचा है क्या, गुड्स को डिस्पैच किया है क्या, ये गुड्स में हम डील भी करते हैं क्या, ये सब चीजें चेक करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। यस देर वॉज अ क्रेडिट सेल्स जिसकी वजह से रिसीवेबल का बैलेंस दिखना चाहिए। नंबर वन में सब्सिक्वेंटली अगर पैसा आ गया होगा तो वो चेक करोगे, नंबर टू में बाकी सोर्सेस से बाकी एविडेंसेस से ये समझने का ट्राई करोगे कि एक्चुअली में सेल्स हुआ था या नहीं हुआ था। इस पॉइंट नंबर ओ क्लियर टू यू? ठीक है, फिर बाद में स्टैंडर्ड याद करो, लास्ट क्लास में बताया था ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, बराबर है कि नहीं है? आइए कुछ पॉइंट को पिक कीजिएगा, मार्क पॉइंट नंबर पी, कंफर्मेशन लेटर वाला खत्म हो गया, अगला पॉइंट है अलग से, रीड पॉइंट नंबर पी, इफ देर आर एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, क्या ये ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली ऑथराइज किया था, एंड दीज ट्रांजैक्शंस शुड बी रीजनेबल एंड एट व्हाट प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस। ये पॉइंट लॉजिकल है, लिख लोगे आसानी से। अगर जनरल क्वेश्चन आया, स्पेसिफिक डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आया, बहुत पॉइंट्स है चार पॉइंट लिखने के लिए। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? लॉजिकल लगता है, आगे बढ़े। चलिए आइए कम टू कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ। मेरे हिसाब से ये पॉइंट नंबर ए को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। कट ऑफ का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है, इट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। पढ़ो मेरे साथ में क्या बोलता है सर। ऑडिटर को यह सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई सेल्स ना तो ओवरस्टेटेड है ना ही अंडरस्टेटेड है, मतलब सही पीरियड में रिकॉर्डेड है, गलत पीरियड में रिकॉर्ड होंगे तो या तो ओवरस्टेट हो जाएंगे या अंडरस्टेट हो जाएंगे। इस साल का सेल्स अगले साल में चले गया तो कहना इसे सेल्स कम हो जाएगा। सर अगले साल का सेल्स इस साल में आ गया तो सेल्स क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा, दोनों चीज हो सकती है। इसके लिए क्या बोलता है, लास्ट फ्यू डेज के जो इनवॉइसेस हैं, मतलब आपके 31 मार्च के आसपास के लास्ट 5 दिन के ट्रांजैक्शंस, उनको डिटेल में चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है गुड्स डिस्पैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या गुड्स अभी तक कंपनी के पास में है पर सेल्स इनवॉइस बना दिया है, मतलब सेल्स इनवॉइस हैज बीन मेड बट गुड्स आर नॉट डिस्पैच्ड, तो हमें डर क्या लगेगा, शायद अगले साल का सेल्स इस साल में आ चुका होगा। नंबर टू देखो, एनश्योर दैट ऑल गुड्स डिस्पैच्ड प्रायर टू 31 मार्च हैव बीन इनवॉइस्ड, ऐसा तो नहीं है गुड्स भेज दिए बट इनवॉइस नहीं बनाया, इनवॉइस कब बनाया, अगले साल बनाया, मतलब इस साल के सेल्स को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। दोनों केस में गलतियां हो सकती है, ये हमने चेक करना चाहिए। देखो एनश्योर दैट नो गुड्स डिस्पैच्ड आफ्टर 31 मार्च हैव बीन इनवॉइस्ड एंड इंक्लूडेड इन डेटर फॉर करंट पीरियड, मतलब इनवॉइस गया, सॉरी गुड्स गया अगले साल है, इनवॉइस इस साल में बना दिया और इस साल के डेटर्स के अंदर उसको दिखा दिया, क्या ना इसे, यही हमें कट ऑफ में चेक करना है। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, 3 लॉजिकल पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा, परचेज में सेल्स में सब में ऐसा लैंग्वेज काम में आ जाएगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली अमाउंट डेटर्स में जाएगा या क्रेडिटर्स में जाएगा, लॉजिकल है। स्पेंड 2 मिनट्स पढ़िए एक बार, मैं आपको स्पेसिफिक जनरल सब साथ साथ में पढ़ा रहा हूं कंबाइन करके। ऐसी बंद करना आपको, बंद नहीं हुआ, डबल प्रेस रहेगा मेरे साथ। डन, चलिए वैल्यूएशन पे आ जाइए। वैल्यूएशन में सीधा पढ़िए पॉइंट नंबर सी, हमेशा हमने वैल्यूएशन में जनरली बैलेंस्ड आइटम्स के लिए एजिंग रिपोर्ट ऑब्टेन करना चाहिए, तो रिसीवेबल के लिए भी एजिंग रिपोर्ट लेंगे कि भाई 0 to 30 days में कितना है, 30 to 60 days से कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, इट्स बेसिकली दैट विल टेल मी
द मनी इज आउटस्टैंडिंग सिंस हाउ मेनी डेज. इफ आई से मनी इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 365 डेज, उधर मैं बोलूंगा ना रिस्क बहुत ज्यादा है, शायद ये पैसा आएगा ही नहीं. तो कैन आई से जितना ज्यादा टाइम से पैसा आउटस्टैंडिंग होगा उतना ज्यादा रिस्क बनते जाएगा कि शायद ये पैसा रिसीव ही नहीं होगा. कैन आई से उसके उधर तो मेरे को बोलना पड़ेगा 100% प्रोविजन बना दो या राइट ऑफ ही कर दो. कैन आई से इस एजिंग एनालिसिस से ही हम डिस्कशन कर पाएंगे बैड डेट्स का राइटिंग ऑफ बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बराबर से बनाया है कि नहीं बनाया है, ये चेक करना आसान हो जाएगा. तो पॉइंट नंबर सी के साथ साथ के अंदर पॉइंट नंबर ई को मार्क कर दीजिए, पॉइंट नंबर आई को मार्क कर दीजिए. पढ़िए, स्क्रूटनाइज द एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई दोज डेट्स विच अपीयर डाउटफुल. आंसर उनसे पूछिए बैड डेट्स के अमाउंट के अंदर कुछ चेंजेस है क्या, मतलब लास्ट ईयर कितना बैड डेट चार्ज किया था, इस साल कितना बैड डेट चार्ज किया है, प्रोविजन का अमाउंट लास्ट ईयर कितना बनाया था, इस साल प्रोविजन के अंदर कुछ एडिशन किया है, कुछ प्रोविजन के अमाउंट को कम किया है, इज देयर एनी मूवमेंट इन द प्रोविजन शेड्यूल, ये सब आपने पूछना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए विद द प्रीवियस ईयर टू अंडरस्टैंड आर देयर एनी मेजर ट्रेंड चेंजेस इन द करंट ईयर. ये जनरल आंसर लिखना पड़ गया तो बता रहा हूं, अदरवाइज तो स्पेसिफिक क्वेश्चन किधर दिमाग लगाने का है, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, किधर लगाने का दिमाग, डायरेक्ट कंफर्मेशन. बहुत बुरा हो गया मे बी कट ऑफ, उसमें पॉइंट नंबर वन काफी है, बहुत बुरा हो गया तो कट ऑफ, दैट इज पॉइंट नंबर वन सफिशिएंट. उसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, जनरली पूछेगा रिसीवेबल कैसे चेक करोगे, उधर तो लिखने के लिए बहुत पॉइंट है. सोचो ना एग्जिस्टेंस पे चार पॉइंट लिख दोगे, कट ऑफ पे एक पॉइंट लिखा तो भी काम हो जाएगा, वैल्यूएशन के अंदर एजिंग एनालिसिस पे एक पॉइंट लिखा तो काम हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आया दो पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट आएगा, AS 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बाय डिफॉल्ट आएगा हमेशा. आगे देखो अगले पेज में मिलेगा भी आपको रेफरेंस भी, यू विल गेट अ रेफरेंस, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में भी देखो रेफरेंस मिलेगा, AS 11 एंड AS 18 मिला क्या. अब ऑब्वियसली रिसीवेबल्स है तो सर हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि उसमें से सिक्योर्ड वाला कंपोनेंट कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, डाउटफुल कितना है, ऐसा बाइफर्केशन हमें चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने ये टेबल एजिंग शेड्यूल का एज अ कंपनी बनाना चाहिए, एज अ ऑडिटर आपने चेक करना चाहिए. सोचो दिमाग लगाओ, वो बोलता है टोटल रिसीवेबल जो है आपके बुक्स के अंदर 100 करोड़ है, उसको प्रॉपरली कैटेगराइज कर दो कि उसमें से बिना डिस्प्यूट वाला कौन सा है. मेजोरिटी अमाउंट अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, मेजोरिटी अमाउंट क्या होना चाहिए जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, एक्चुअली रिसीवेबल बनता है शायद आ जाएगा. अब वो अनडिस्प्यूटेड के अंदर भी आपको क्या लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स से क्राइटेरिया इज इफ द मनी इज आउटस्टैंडिंग फॉर 0 to 60 days, we can still consider this as a good and not a doubtful. तो सर bifurcation कर दीजिए, undisputed में भी आपको good category में amount कौन सा लगता है and consider doubtful category में amount कौन सा लगता है. अपने तो कुछ गिरा बार ना, ठीक है जान दो, undisputed और disputed ऐसा bifurcation करने का है. तो पहले वाला दो undisputed वाला है, दूसरा वाला disputed वाला है. फिर aging analysis है, less than 6 months से कितना पैसा outstanding है, 6 months to 1 year, 1 to 2, 2 to 3, more than 3 and can I say total amount दिखते जाएगा यहाँ पे, ऐसा categorization. ये presentation company के management को करके तैयार रखने का है, आपको as a auditor देखना है have they prepared a proper aging schedule for their receivables. payable में risk और ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर पैसा MSMEs को ड्यू होता है. किसको ड्यू होता है पैसा, MS. जो receivable वाला है ना इसमें डर क्या है, फेक हो सकता है. जो payable है उसमें डर क्या होता है, कोई important parties है जिनको government ने बोला time पे करना ही चाहिए. MSMEs is your micro, small and medium enterprises. उनका पैसा अगर बकाया छोड़ दिया तो आपको एक MSMED एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. तो उधर bifurcation देना पड़ता है कि पेबल MSME को कितना और अदर्स को कितना है, और MSME को जो पेबल उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना है. तो वहां पर थोड़ा सा bifurcation अलग हो जाता है, यहां पर bifurcation स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किधर डिस्प्यूट है किधर डिस्प्यूट नहीं है, नथिंग ग्रेट. बस टेबल पता होना चाहिए, बॉक्स कभी भरने का जरूरत नहीं है. एग्जाम में घटिया क्वेश्चन पूछेगा, रिसीवेबल है कैसे एजिंग एनालिसिस का प्रेजेंटेशन होता है टेबल के फॉर्म में बता दीजिए एज पर शेड्यूल 3. डब्बे को मार्क कर लीजिएगा, आना चाहिए. अभी गुड, रिसीवेबल जब पढ़ोगे अगली बार किधर दिमाग लगाओगे, सबसे पहले डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर. उसके अलावा मस्त 4-5 पॉइंट ढूंढोगे कि भाई एक आध पॉइंट ऊपर से डबल रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, जिधर भी बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग पैसा पड़ा है अमाउंट बहुत बड़ा है जस्टिफिकेशन लेने का ट्राई करेंगे. फिर सर वैल्यूएशन में एजिंग एनालिसिस का पॉइंट लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, कट ऑफ के ऊपर एक पॉइंट लिख देंगे, AS 11 AS 18
उनके ऊपर दो पॉइंट लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे एक पॉइंट आ जाएगा, कोई डिस्प्यूट्स है क्या कस्टमर के साथ में उसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, इतना भी लिख दोगे तो भी बढ़िया 8 मार्क का आंसर हो जाएगा, उत्ते का तो होने का क्वेश्चन चांस ही नहीं है। आर यू कंफर्टेबल विद रिसीवेबल्स? ग्रेट, लेट्स गो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कैश एंड बैंक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीवेबल फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कैश एंड बैंक टाइम पास है, दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। इधर भी क्या हमें कंफर्मेशन लेटर भेजना होगा? हाँ, इधर प्रोसीजर उतना डिटेल में नहीं है, कम प्रोसेस लिखा। अब प्रॉब्लम बताया क्या है, प्रोसेस तो सेम ही होता है बट इधर कम लिखा है ना, तो सजेस्टेड आंसर में भी वो एक्सपेक्ट करता है इतने पॉइंट लिख दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इधर का प्रोसेस, इधर आओ मेरे साथ ढंग से पढ़ो। कम टू पेज नंबर 5C.9, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कैश एंड बैंक के अंदर मतलब ऑब्वियसली कैश इन हैंड तो फिजिकली वेरीफाई होगा, बैलेंसेस विद बैंक के लिए कंफर्मेशन लेटर जाएगा, कैश इन हैंड के लिए कंफर्मेशन लेटर नहीं जाता है, वो तो कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा। बैलेंस विद बैंक के लिए क्या जाएगा? कंफर्मेशन लेटर जाएगा। दो चीज ध्यान रखना, इधर ना सैम्पलिंग नहीं लगाते हैं। अगर हमारे पास 5 बैंक अकाउंट है, हर बैंक अकाउंट अलग बैंक के साथ में, तो 5 के 5 कंफर्मेशन लेटर जाएंगे, 100% टेस्टिंग करना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, इधर रिप्लाई आना ही चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं आया है तो हमको एक्सट्रीम स्टेप्स लेने होते हैं, हमको हमारे आर्टिकल को भेजना होता है, मतलब स्टाफ को वहां भेजना पड़ेगा, वो जाकर के लेटर के ऊपर मैनेजर से साइन करवा करके लेके आएगा। बैंक के साथ में जो बैलेंसेस हैं, अगर उधर डिफरेंस मिला, मतलब सर सोचिएगा साल भर में कितने एडिशनल ट्रांजेक्शन हुए होंगे जो कंपनी का मैनेजमेंट छुपाने का ट्राई कर रहा होगा। इफ देर इज अ डिफरेंस इन कैश एंड बैंक, देर कैन बी डिफरेंस एनीवेयर एल्स इन द बैलेंस शीट एंड पीएनएल। इसीलिए इधर रिप्लाई आना ही चाहिए, नहीं आता है तो स्टाफ को भेज करके फिजिकली वहां से कंफर्मेशन लाया जाएगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जब हम बैंक को लेटर भेजेंगे तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंफर्म थोड़ी करेंगे, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन करंट अकाउंट, एफडी के बैलेंसेस भी कंफर्म कर दे, लोन्स के बैलेंसेस भी कंफर्म कर दे, बैंक गारंटी है तो उसके बैलेंस भी कंफर्म कर दे। कुछ कुछ कंपनीज के ईएफसी अकाउंट होते हैं, क्या होते हैं? ईएफसी अकाउंट। इट्स बेसिकली फॉरेन करेंसी को इंडिया के बैंक के साथ में रखने के लिए। मतलब आई गो टू एचडीएफसी बैंक, आई टेल देम माय लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो पैसा रिसीव होता है वो यूएसडी में रिसीव होता है क्योंकि मेरा क्लाइंटल जो है वो यूएस का है, तो आई कैन टेल देम मेरे को एक सेपरेट अकाउंट चाहिए जहां पर मैं यूएसडी में बैलेंस मेंटेन करूंगा। किस में बैलेंस मेंटेन करूंगा? यूएसडी। मतलब मेरे को रिसीव भी यूएसडी में होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी यूएसडी में होगा। हालांकि 31 मार्च को बैलेंस शीट में अमाउंट लिखने के लिए मुझे यूएसडी को INR में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये सेपरेट अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। इट इज ईएफसी अकाउंट, बेसिकली एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हम सेपरेटली मेंटेन करते हैं। अगर आपका अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज के अंदर है, मतलब आपका रेवेन्यू ही जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में आता है, मतलब इट्स इन अ करेंसी अदर देन INR, तो हम बोलेंगे आपको ईएफसी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका भी बैलेंस हम किससे कंफर्म कर लेंगे? बैंक से कंफर्म कर लेंगे। पढ़िए मेरे साथ में, नंबर वन, सर बैंक ऑडिट के दौरान डायरेक्टली बैंक से अमाउंट कंफर्म करना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में करंट अकाउंट्स हो सकते हैं, डिपॉजिट अकाउंट हो सकते हैं, ईएफसी अकाउंट हो सकते हैं, सीसी अकाउंट हो सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट्स, कुछ भी हो सकता है बैंक के साथ में, उन सब का बैलेंस मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। नंबर टू, देखो दिस शुड बी डन फॉर ऑल अकाउंट बैलेंसेस, मतलब इधर 100% कंफर्मेशन लेटर भेजना पड़ेगा, सैंपलिंग अलाउड नहीं होता है। ऑब्वियसली कंपनी शुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड रिकनसाइल द डिफरेंसेस। अगर हमने लेटर भेजा, बैंक ने कुछ रिप्लाई किया, अमाउंट या बैलेंस दोनों के मैच नहीं होते हैं, डिफरेंसेस मिलते हैं, तो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इधर डिफरेंस मिलना रिप्रेजेंट्स कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट गलतियां हो सकती, नॉर्मली BRS रहेगा, चेक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, 100% चेकिंग होना चाहिए, मतलब नो सैंपलिंग, और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो एडिशनल टेस्टिंग करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, देखो एडिशनल टेस्टिंग क्या है, या तो इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन वगैरह करके चेक कर लो, या सेंड द ऑडिट टीम मेंबर टू द बैंक का ब्रांच अलोंग विद द एंटिटी का पर्सन, और उनको बोलो कंफर्मेशन लेटर पे मैनेजर से बैंक के साइन करवा के ठप्पा लगवा करके लेकर के आ। नॉर्मली ए फॉलो किया जाता है आजकल, पहले बी बहुत कॉमन था। इज दैट क्लियर टू यू? इसका प्रोसीजर बहुत शॉर्ट, लिमिटेड पॉइंट्स लिख के दिए हैं, इसलिए यही लिखना पड़ेगा। रिसीवेबल पेएबल में अगर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर नहीं पढ़ के गए तब भी आंसर मैच हो जाएगा। इधर प्लीज ये पढ़ के जाना, स्पेसिफिक आंसर है ये। इधर तुम जनरल पॉइंट लिख के आओगे वो आपको मार्क्स नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए कैश एंड बैंक में डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंड 2 मिनट्स, रीड, क्लोज, आई विल गो नेक्स्ट।
अब आइए कैश बैंक में, वैल्यूएशन में तो एक ही पॉइंट है, अगर फॉरेन करेंसी में अकाउंट रहेगा तो भाई लेट्स से क्लोजिंग बैलेंस इज 1 लाख USD, 31 मार्च को INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? RBI की वेबसाइट पे जाओगे, जो 31 मार्च का क्लोजिंग बैंक रेट, क्लोजिंग आपका एक्सचेंज रेट रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करके INR में कन्वर्ट कर दोगे। लेट्स से उस दिन का रेट 83 है, तो 83 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख USD, द INR अमाउंट शुड बी 83 लाख रुपीज। वैल्यूएशन में एक ही लाइन है सिर्फ, ऑडिटर शुड इंश्योर दैट All bank accounts holding foreign currency should be restated as per the closing exchange rates as per applicable FRF, जो बोलता है RBI के rates को consider करना चाहिए। Is valuation point clear to you? बाकी कुछ भी नहीं है, कराइए confirmation procedure बता दिया। फिर read करने के लिए इधर आइए page number 5C.7 पे, 2 मिनट के लिए। Existence है, दो चीज कम में आएगी, कैश इन हैंड के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, बैलेंस विद बैंक के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर होता है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर तो हो गया, अब कैश एंड बैंक में कैश इन हैंड भी तो रहेगा, क्या उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो? यस, नॉर्मली ईयर एंडिंग 31 मार्च को कैश इन हैंड चेक करने जाते हैं, सरप्राइज एलिमेंट के लिए कोई और दिन भी जा सकते हैं, पर ध्यान रखना कैश जब काउंट करते हैं तो आपने काउंट नहीं करना चाहिए, स्टाफ ने काउंट करना चाहिए क्लाइंट के, यू शुड बी प्रेजेंट। काउंटिंग होने के बाद प्रॉपर लेटर पे साइन करवा के लिख के लेना चाहिए, ये प्रोसेस पता होना चाहिए। आइए एक दो पॉइंट को रीड कर लीजिए, 5C.7 यहां पे रीड पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, 5, 2 एंड 4, 5। देखो सिर्फ लिमिटेड चीज पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है ढंग से लिख पाओगे, जनरल कुछ भी पढ़ोगे तो लिखते वक्त और जनरल हो जाओगे, मार्क्स तो आईसीए जनरल भी नहीं देगा, they will be harsh in that case. Your approach to studying should change according to me. ठीक है, गाइडेंस दे रहा है, तुमने अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए, किसी और से करवाना चाहिए, किसी और से मतलब क्लाइंट के बंदे से। इज दैट क्लियर टू यू? इसके अलावा सिर्फ एक पॉइंट और मार्क कर लीजिए, पॉइंट नंबर 8। Point number 8 can become a separate MCQ also, correcting correct also. There is something called as cash sensitivity analysis. कुछ नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट खुद करता है ये। मंथ ऑन मंथ हमको एवरेज इनफ्लोस कितने होंगे, आउटफ्लोस कितने होंगे, इसका एक वो एनालिसिस बना के रखता है। आपको देखना है उनका बजटेड एनालिसिस क्या था और एक्चुअल एनालिसिस क्या है। एक्चुअल मतलब एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो कितना था इस महीने का, और आपने साल के स्टार्टिंग में इस महीने के लिए प्रिडिक्शन क्या किया था, तो आपके एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल्स में गैप कितना है ये देखना पड़ेगा। एंड इससे हमको ये भी समझेगा, सडनली किसी एक आध महीने में इनफ्लो बहुत ज्यादा है, किसी एक आध महीने में आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, तो उसके रीजंस क्या है, आर देयर एक्चुअली प्लान्ड रीजंस, तो हमको ठीक लगेगा। अगर वो एकदम अनप्लान्ड थे, सरप्राइजेस थे, तो हमें डाउट आ सकता है कि कंपनी में गलतियां हो सकती है। दिस एनालिसिस इज कॉल्ड एज कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस। आपको बजटिंग पढ़ाया होगा ना FM के अंदर, कैश बजट भी पढ़ाए होंगे, घटिया क्वेश्चन होता है बनाते रहते हैं कैश बजट, ऐसा सेम ही है वो, बहुत तल से नहीं बदलता है। नाइस, पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 8, कैश एंड बैंक डन। दिमाग एक्सेप्ट कर पा रहा है जो पढ़ रहे हो? क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो लेट्स गो टू इन्वेंटरीज, अगला वाला पार्ट, वी डन विथ रिसीवेबल्स, वी डन विथ कैश एंड बैंक, थर्ड इन्वेंटरी पढ़ने का है, कुछ नहीं हो जाएगा खत्म 5 मिनट के अंदर, टाइम पास है। इन्वेंटरी में एक ही चीज सबसे दिमाग लगाने लायक, वैल्यूएशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा बहुत ज्यादा हो गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन। तो 5 मिनट सुन लीजिए,
इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का। नॉर्मली कब करवाएगा? 31 मार्च को करवाएगा। ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? अटेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अटेंड। एंड ऑब्वियसली थोड़ा टेस्ट बेसिस पे ऑडिटर चेक भी करेगा। देखो जनरली प्रोसेस क्या होता है, कॉस्टिंग मटेरियल चैप्टर में पढ़ाया होगा, हमारे इन्वेंट्री प्रॉपरली टैग्ड होते हैं, अरे बिन कार्ड सिस्टम वगैरह पढ़ाया होगा, डब्बा होता है सब बताया होगा आपको, उसमें इन्वेंट्री पड़ा है, ऊपर एक कार्ड पड़ा होता है जहाँ डेट लिखी होती है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता है, एडिशन डेली, बराबर है ना। तो इन सिंपल टर्म्स ऑल इन्वेंट्री शुड बी प्रॉपरली टैग्ड, देर शुड बी अ प्रॉपर यू कैन से बिन कार्ड सिस्टम या कोई ना कोई सिस्टम रहेगा जिसके तहत आइडियली एक प्रॉपर टैग जैसा रहेगा जहां पे पता रहेगा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, इन्वेंट्री का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमें क्या देखना है, इन्वेंट्री जो हमारे बुक्स में है एंड जो फिजिकली प्रेजेंट है ये एक्चुअली मैच होती है कि नहीं होती है। इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कंडक्ट कराता है। तो मैनेजमेंट ना एक इंस्ट्रक्शन बनाता है, क्या बनाता है? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उनके स्टाफ फॉलो करेंगे टू परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन। तुम चेक करने का पहले इंस्ट्रक्शन बराबर है क्या, फिर देखने का उनका लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है क्या। पहले तो इंस्ट्रक्शन बराबर है, दूसरा उनके लोग वो सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करते हैं, तीसरा चीज सारा इन्वेंट्री प्रॉपरली टैग्ड होना चाहिए, इन्वेंट्री का डिस्क्रिप्शन बराबर से रहना चाहिए। कोई भी इन्वेंट्री का टैग अगर निकाला, वो टैग को मैं इन्वेंट्री का रिकॉर्ड से मैच कर सकता हूं क्या? लेट्स से यूनिक नंबर लिखा है 114, तो 114 हमारे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में भी आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए, क्वांटिटी मैच होना चाहिए, तो हमें इन्वेंट्री के ऊपर क्या आ जाएगा, थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। ये फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट मैनेजमेंट करवाता है, अटेंड कौन करता है? ऑडिटर अटेंड करता है। यहां पर टेस्ट बेसिस पे वो चेक करेगा कि भाई ओवरऑल इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने बराबर से किया या नहीं किया। दो तरीके का सैंपलिंग लगाते हैं, इन्वेंट्री जो पड़ा है उसको सैंपल करेंगे और पूछेंगे तुम्हारे रिकॉर्ड्स में किधर है और क्या है, फिर जो रिकॉर्ड्स में है उसको पूछेंगे फिजिकली किधर है, दोनों साइड से मैच होना चाहिए। दिस इज व्हाट फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट शुड परफॉर्म, ऑडिटर शुड अटेंड एंड परफॉर्म टेस्ट बेसिस पे थोड़ा चेकिंग। ये प्रोसेस 501 से आता है। कहां से आता है? 501 दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेशल आइटम्स, उसमें से पहला है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। समझा क्या? आइए क्वेश्चन क्या पूछेगा बताते हैं। एग्जिस्टेंस में नंबर वन, एंटिटी का प्लान क्या है टू परफॉर्म इन्वेंटरी काउंटिंग, ये समझना पड़ेगा। ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन द इन्वेंटरी काउंटिंग विद द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली परफॉर्म कौन करेगा? मैनेजमेंट। ऑब्जर्व और अटेंड कौन करेगा? ऑडिटर। अब पॉइंट नंबर फोर में देखो, जब इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, ऑडिटर वहां प्रेजेंट होकर क्या कर सकता है? पहले यह देखेगा उनके एम्प्लॉइज उनका जो प्लान था उसे अडहर करते हैं, मतलब कंप्लाई करते हैं क्या। अडहरेंस मतलब कंप्लायंस, कि जो आपने प्लान बनाया, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, वो एक्चुअली अडहरेंस हो रहा है, मतलब फॉलो किया जा रहा है। मतलब जो मैनेजमेंट ने इन्वेंटरी के फिजिकल वेरिफिकेशन का प्लान बनाया है, एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है क्या, ये हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा चीज हम देखेंगे कि भाई प्रॉपर तरीके से सुपरविजन है क्या, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट ने काम देने के बाद खुद से सुपरवाइज भी करना चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। सारे इन्वेंटरी के आइटम्स क्या होने चाहिए? प्रॉपरली टैग्ड होने चाहिए। हर टैग के ऊपर बराबर से अमाउंट दिखना चाहिए। प्रॉपर टैग एंड समरी शीट्स होनी चाहिए, रिकंसिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी आपको लगता है फिजिकल इन्वेंट्री 80 है, बुक्स में 100 दिख रहा है, डिफरेंस 20 मिलना चाहिए, 20 का वैल्यू कितना समझना चाहिए, वो 20 का डिफरेंस क्यों आया, रिकंसिलेशन कंपनी ने करना चाहिए, ये मेरे को चेक करने का है। इज दिस क्लियर टू यू? फिर आइए दो तीन पॉइंट को मार्क कीजिए। पॉइंट नंबर जी को मार्क कीजिए, हमेशा अलर्ट रहिएगा, कॉशियस रहिएगा, कभी कभी डब्बा दिखेगा बोलेगा 100 आइटम्स का डब्बा खोलेंगे कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी बॉक्सेस मिल जाते हैं, अरुण का एग्जांपल है, मैं क्या कर सकता है। या कभी कभी वो बोलेगा ये सबसे अच्छा इंजन है, ये इंजन का वैल्यू इतना है हमारे बुक्स में, वो इंजन चालू ही नहीं होता होगा, मतलब ऑब्सोलीट आइटम हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टे अलर्ट, व्हाट एवर दे आर टेलिंग यू डोंट बिलीव देम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एच, कट ऑफ का पॉइंट आ गया क्या, क्योंकि ऑब्वियसली परचेज सेल्स का कट ऑफ विल इंपैक्ट योर इन्वेंटरी ऑल्सो, परचेज गलत होगा सेल्स गलत हो, इन्वेंटरी को इंपैक्ट आएगा ना यार वैल्यूएशन में। तो पॉइंट नंबर एच सेम कट ऑफ है परचेज सेल्स वाला, ठीक है। लास्ट में पॉइंट नंबर एल, तुमने बहुत मेहनत किया, 100 सैंपल चेक किए, गलतियां ढूंढी, गलतियां ढूंढने के बाद क्लाइंट ने उधर तो अग्री किया, हाँ हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस है, 2 महीने के बाद तुम भी भूल गया, वो भी भूल गया, क्यों, किधर लिखा ही नहीं था आपने। तो प्रॉपर आपने शीट बनाना चाहिए जहां बोलना चाहिए ये सैंपल सेलेक्ट किया, क्लाइंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इतना क्वांटिटी था, हमें कितना क्वांटिटी मिला, वेरिएंस मिला है, वेरिएंस के ऊपर उनका भी अंगूठा लगाई, मतलब उनसे भी साइन लीजिए, खुद भी साइन कीजिए, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि डिफरेंसेस मिले थे। 2 महीने के बाद वो डिफरेंसेस ना मटेरियल में स्टेटमेंट बन जाएंगे,
आज तो क्वांटिटी में डिफरेंस देख रहे हैं, जब वैल्यूएशन देखेंगे तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट विल टेल यू द अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस कैन बी मटीरियल। इफ इट इज मटीरियल यू विल आस्क द मैनेजमेंट टू मेक एडजस्टमेंट, इफ दे डोंट एडजस्ट यू विल गो टू 705। समझा क्या? उन्होंने अग्री करना चाहिए क्या? मस्त चार पांच पॉइंट पिक कर लोगे क्या कोई भी? अरे कर लोगे क्या? अभी पिक कर लो, खत्म कर लो अभी के भी, वॉट एवर फोर यू विल एक्चुअली राइट फाइंड। अगली बार से पढ़ना ही मत। डन, चलो पॉइंट नंबर 7, स्टॉक लाइंग विद थर्ड पार्टी, उसके लिए कंफर्मेशन लेटर भेजोगे? हाँ, अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हुआ, आर्टिकल को भेजोगे चेक करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, कंफर्म और इन्वेस्टिगेट इज देर एनी इन्वेंट्री लाइंग विद अ थर्ड पार्टी, अगर हाँ तो सर उस केस में आपको 505 भी लगाना पड़ेगा। कैन वी गो नेक्स्ट? कंप्लीटनेस कट ऑफ, इसमें पॉइंट नंबर 3 पढ़ लो एक बार पहले। परचेज सेल्स कट ऑफ चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री पे कंफर्ट आ जाएगा, ठीक बात है। फिर पॉइंट नंबर 1 को मार्क कर लो। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स के, जैसे परचेजेस में एग्जांपल दिया था, याद है क्या? स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन, कंजम्पशन एनालिसिस, याद आ रहा है क्या? ऑब्वियसली वो सब इन्वेंट्री से रिलेटेड था। इन्वेंट्री को ही तो परचेस करते हो, तो परचेस के जो एनालिसिस रहेंगे वो आपको इन्वेंट्री में भी काम में आएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल दिए है। परफॉर्म वर्टिकल एनालिसिस, मतलब इन्वेंट्री का वैल्यू 100 करोड़, बैलेंस शीट का वैल्यू 1000 करोड़, तो कैन आई से इन्वेंट्री इज 100 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बैलेंस शीट। अरे इन्वेंट्री पूरे बैलेंस शीट के एसेट साइड का 10% है, 20% है, 50% है, इससे पता चलेगा ना इन्वेंट्री कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल एनालिसिस। इन्वेंट्री का बजटेड डेटा वर्सेस एक्चुअल डेटा, लास्ट ईयर रॉ मटेरियल 30 करोड़ था, इस साल हमने सोचा रॉ मटेरियल का नंबर बढ़ के 40 करोड़ आएगा, एक्चुअल रॉ मटेरियल 20 करोड़ है, कहना इसे प्रीवियस ईयर से भी कम है और एक्सपेक्टेशन से तो बहुत कम है। दिस इज कॉल्ड एज कंपेरिजन ऑफ बजटेड डेटा वर्सेज एक्चुअल डेटा। इस पॉइंट नंबर 3 क्लियर टू यू? और ऊपर वाला आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, थोड़ा सुने क्या ऐसा? ये सब परफॉर्म करना चाहिए, वेरी नाइस। नीचे आ जाओ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ने का है, पॉइंट नंबर 9। जस्ट बताया आपको मैंने, स्टॉक लाइन में थर्ड पार्टी लिखा हुआ है, उधर ही डर होता है। अरे इन्वेंट्री हमारा है, ये तो परचेस इनवॉइस समझ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? इनवॉइस है, फिजिकल इन्वेंट्री है ही नहीं। एक बात सोचो, परचेस इनवॉइस तुम्हारे नाम पे है, इन्वेंटरी तुम्हारे गोडाउन में, तो हमें क्या लगेगा? इन्वेंटरी तुम्हारा है। जब मैं बोलता हूं इनवॉइस है पर इन्वेंटरी नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब किधर तो और पड़ा है, तो मुझे डाउट क्या आएगा? इनवॉइस खरीद लिया होगा, इन्वेंटरी एक्चुअली आया ही नहीं, मतलब कभी इन्होंने खरीदा ही नहीं होगा, सिर्फ इनवॉइस फेक बना दिया होगा, डमी बना दिया होगा। तो पॉइंट नंबर 9 उसका एक एग्जांपल देता है कि कब आपको थोड़ा राइट्स ऑफ इन्वेंटरी पे डाउट आ जाएगा, कि इन्वेंटरी बैलेंस शीट में दिख रहा है पर हमें लगता है शायद आपके राइट्स उस इन्वेंटरी पे नहीं है। रीड पॉइंट नंबर 9, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं इसके अराउंड, पहले आप ये पढ़ो। मेरे को डर है आईसीआई ऐसा करना शुरू करेगा इस अटेम्प्ट से। बराबर है, स्टॉक लाइन में थर्ड पार्टी का एग्जांपल है ना, ये क्वेश्चन पढ़ो अभी। मेरे हिसाब से शायद मई 24 में इमीडिएटली बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा, यहां से आगे आने वाले 2 से 4 साल के अंदर आई बिलीव अ पेपर लाइक ऑडिट विल चेंज कंप्लीटली स्लोली स्लोली। आईसीआई इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी, दिस शुड हैव बीन डन लॉट ऑफ इयर्स बैक। वो क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरीके से कर देगा, बट पूरा एफर्ट इज ऑन फ्रेमिंग द क्वेश्चन।
आंसर के लिए प्रैक्टिस के बजाय अकल की जरूरत होगी. होपफुली लेट्स रीड द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आईसीए के स्टडी मटेरियल में पहली बार ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए, आज तक कभी नहीं थे. उन्होंने ये कहां से कॉपी किया आपको मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नहीं, आइडिया कॉपी किया है एसीसीए सीपीए से, जहां पे नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चनिंग होता है फॉर इयर्स. अब आईसीए थोड़ा उसको अडेप्ट कर रहा है क्योंकि एसेस आईसा से आए हैं, आईसा ग्लोबली एक्सेप्टेबल है. तो सेम क्वेश्चन दुनिया भर में आपको आराम से मिल जाएंगे. देखो, अ कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न दैट इज परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स. Occasionally, it also manufactures fabrics tailor-made in accordance with the requirements of certain mills from yarn received from these mills. The company raises bill of its labor charges only on mills for converting yarn into fabrics. मतलब वो yarn उनका नहीं होता है, वो उस पे काम करके fabric में convert करता है, तो labor charges के लिए bill pass करता है. The auditor of a company tries to ensure that the stock of the company do not include stocks related to these mills. क्योंकि उनका, it's basically मैं उनके लिए job work कर रहा हूं, मिल का यान मेरे पास में आ रहा है, उसे मैं बढ़िया से फैब्रिक में, आई एम नॉट बाइंग द यान इज कमिंग फ्रॉम द मिल टू मी, आई एम कन्वर्टिंग दैट इन टू अ फैब्रिक एंड सेंडिंग इट बैक टू देम. और मेरा इनकम क्या है? लेबर चार्जेस है. अरे मेरा इनकम क्या है? मैं तो दोनों काम है. कुछ कुछ सिंपल एग्जांपल दूंगा, बीकॉम लेवल एग्जांपल. इसको अगर लोएस्ट लेवल पे आने का है, तुम्हारा एक टेलरिंग का शॉप है, तुम अपना कपड़ा खुद लेकर के आओगे, उसको मैं स्टिच करके देगा. फैब्रिक शुड नॉट बी इन माय इन्वेंटरी, कपड़ा मेरा है ही नहीं, समझा क्या मेरा बात? कुछ कुछ कपड़ा मेरे पास फैब्रिक रहेगा स्टॉक के अंदर, मैं तुझे बोलेगा कहीं और से क्यों खरीद रहा है, सेम फैब्रिक मेरे से खरीद, यही तुझे मैं कपड़े में कन्वर्ट करके देगा. ये उसके एक कदम पीछे जा रहा है, फैब्रिक बनाया जा रहा है फ्रॉम यान. तो यान या तो तुम्हारा है या किसी और का है, कन्वर्जन टू फैब्रिक आप ही कर रहे हो. तो एक में फैब्रिक में जब कन्वर्ट होगा तो कहना इसे इट्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स. दूसरे में जॉब वर्क है, रॉ मटेरियल मेरा ही नहीं, वो किसी और का है, उसको सिर्फ मैं जॉब वर्क करके वापस से भेज दूंगा, जो जॉब वर्क करेगा उसका चार्जेस लगाएगा. समझा क्या मेरे बात? अब ऐसा लग रहा है ना, ये एसएम का क्वेश्चन है कि ऑडिट का है. Are you understanding this? मतलब नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन लगेगा. दिस इज राइट क्वेश्चनिंग, ऐसा ही होना चाहिए. नॉर्मली ऑडिट के पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को ही नहीं मिलेगा. ये पूरी केस स्टडी के बाद लास्ट लाइन में देखो क्वेश्चन क्या है. विच असर्शन ऑडिटर ट्राइज टू वेरीफाई इन द अबव सिचुएशन एंड हाउ कैन यू इंश्योर दैट. इसके लिए ना आईसीए को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. 100 मार्क के पेपर के लिए 50 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क से ज्यादा के नहीं हो सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जैसे करेक्टिंग करके क्वेश्चन होता है, 2 मार्क का ही हो सकता है, 5 मार्क का करेक्टिंग करेक्ट हो सकता है क्या? वो सेंटेंस सही है कि गलत है, इतना ही बताने को, रीजन देने का है. सिमिलरली यहां पे असर्शन क्या है और वो असर्शन का लॉजिक क्या होता है, बस वो सेंटेंस लिखने का है. मतलब आई फाइंड द राइट असर्शन एंड आई राइट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द असर्शन, ये सही है, रादर देन यू मेकिंग मी राइट रिसीवेबल चेक करने के लिए एग्जिस्टेंस में 15 पॉइंट लिख. मैं तुम्हें बताऊं एक फैक्ट, जो पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये हमें कभी रियल लाइफ में याद ही नहीं करना होता है, क्योंकि हर कोई एक बार ड्राफ्ट करता है, ये ऑडिट गाइड बन जाता है. क्या बन जाता है? ऑडिट गाइड. ये तेरे पास हमेशा अवेलेबल रहेगी. तू जब भी ऑडिट करने के लिए जाएगा क्या ओपन करेगा? ऑडिट गाइड ओपन करेगा, डबल क्लिक करेगा, उसमें सब लिखा हुआ ही है. तुझे उसे अप्लाई करना आना चाहिए, उसे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या, जब तू याद करने जाता है अप्लाई करना भूल जाता है. आप में से मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर बच्चे ने सारा असर्शन पढ़ा भी है पर क्वेश्चन अगर ऐसा देखा, वो 2 मिनट के लिए भूल ही जाएगा कि मेरे को लिखना क्या है. क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज तक आईसीआई के वे ऑफ क्वेश्चनिंग ने हमारा दिमाग ही करप्ट कर दिया है. हमारा दिमाग क्या सोचता है? स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए क्या लिखूंगा. आवर ब्रेन इज करप्ट, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई दिस, वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट टू राइट. हमें डर ही एक है, आप देखोगे ना, मतलब सारे टीचर इंक्लूडिंग मी ऑप्शन नहीं, यही बोलना पड़ता लिखना क्या है. हम बोलते ही किधर है, किधर को इसका मतलब बताओ. नहीं मैं बोलता हूं, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एन ऑप्शन. दिस इज नॉट अ रेगुलर लेक्चर. माय जॉब हियर टू टेल यू कि भाई इधर तेरे को ये क्वेश्चन आएगा, मैं 100 पेज के ऊपर तेरे को ज्ञान नहीं दे सकता हूं, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आए, मेरे को लग रहा है पहली बार स्टडी मटेरियल में अगर आए, धीरे धीरे शायद ये बदलाव आएगा. सी इट कैनॉट हैव अ ड्रास्टिक चेंज इन द फर्स्ट एग्जाम,
कि सारा का सारा पेपर ऐसा हो। अगर ऐसा करना होता तो आईसीएआई को एक्चुअली उसके लिए प्रॉपर वार्निंग देनी पड़ेगी दैट वी आर चेंजिंग द पैटर्न, दे शुड आइडियली इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज बट अकॉर्डिंग टू मी इफ इट डज इफ यू हैव। इसीलिए आपको क्या लगता है क्यों बैठ के असर्शन पढ़ाता हूं, पागल हो गया मैं? वाई वुड आई फर्स्ट टीच यू असर्शन देन द चैप्टर, अदरवाइज आई कुड ऑल्सो स्टार्ट कैश एंड बैंक के चेक करना शुरू कर डायरेक्टली, बिकॉज एक्चुअली में वो चेकिंग याद ही नहीं करना होता है, लॉजिक तो असर्शन ही था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि वो असर्शन ही बोलता है चेक क्या करना है, इधर क्या आंसर आना चाहिए। अब पहली चीज तो दिमाग लगाने का, ये स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक कौन सा हो गया, बैलेंस शीट आइटम, तरीका सोचो अगर कभी भी आंसर करना है तो। यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना, इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टॉक, बराबर है? स्टॉक इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अ बैलेंस शीट आइटम। अब बैलेंस शीट के असर्शन याद होने चाहिए, बैलेंस शीट में क्या क्या असर्शन थे मेरे पास में, एग्जिस्टेंस, दूसरा था वैल्यूएशन, तीसरा था राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, याद आया क्या, चौथा कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ, एंड आखिरी वाला प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। अब दिमाग लगाओ, ये कोई डिस्क्लोजर के बारे में बात कर रहा है क्या? नहीं, उसे शेड्यूल 3 AS में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बराबर है कि? उसको क्वेश्चन देखो ना, वो दिमाग ही नहीं लगा रहा है, वो सिचुएशन दे रहा है हमें एज अ ऑडिटर क्या करना है। यहां तक तो उसने स्टोरी बिल्डिंग किया कंपनी में क्या होता है। ऑडिटर ट्राइज टू एंश्योर दैट द स्टॉक ऑफ द कंपनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक्स दैट पर्टेन्स टू दीज मिल्स, मतलब इधर उल्टा है, मेरे बुक्स में वो स्टॉक नहीं दिखना चाहिए जो मेरा स्टॉक है ही नहीं और मिल का स्टॉक है। अरे बराबर है कि नहीं है? मतलब मुझे डाउट क्या आ रहा है कि मेरे बुक्स में स्टॉक दिखेगा पर एक्चुअली मेरा ओनरशिप उस स्टॉक के ऊपर नहीं है। इसके लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ओनरशिप इज अबाउट राइट्स, समझा क्या? ये सोचने, अब उल्टा सोचो, बाकी क्यों नहीं हो सकते, थिंक लाइक दिस, बाकी क्यों नहीं हो सकते, उल्टा दिमाग लगाओ। ये तो मेरा तरीका हो गया, नॉर्मली अगर समझ में आया जाएगा तो ये तरीका लगना चाहिए, सही नहीं समझ में आया सर, उल्टा तरीका बताओ। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? डिस्क्लोजर के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे, बराबर है? दूसरा चीज, इज इट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन प्रिंसिपल, लोअर ऑफ कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, प्राइसिंग का बात ही नहीं किया उसने, वैल्यूएशन कब सेंस है? सुनो, इन्वेंटरी में वैल्यूएशन मतलब इट शुड बी अबाउट कॉस्ट और एनआरवी, ना कॉस्ट दिया ना एनआरवी दिया, मतलब वैल्यूएशन के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे। अगर ये बात करता कि हमारे जो स्टॉक जो दिख रहा है वो इस प्राइस पे दिखता है पर एक्चुअली मार्केट में प्राइस कम होती है, ऐसी अगर कहानी लिखता तो लगता है वैल्यूएशन की तरफ जा रहा है। किसी तरफ जा रहा है? यहां पे फोकस वैल्यूएशन पे है ही नहीं, मतलब पीएनडी नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, बराबर है कि नहीं? बचा क्या? कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ। कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ मतलब ये तो कंफर्म था ट्रांजैक्शन मेरा ही है। सी, कट ऑफ में क्या बोला? ट्रांजैक्शन तुम्हारा ही है, या तो इस पीरियड में आएगा या किसी और पीरियड में आएगा, मतलब परचेज तुमने किया है, इन्वेंट्री तुम्हारा है इस पीरियड में कि अगले पीरियड में, इधर डाउट क्या है? इन्वेंट्री मेरा है कि नहीं, इधर डाउट क्या है? इन्वेंट्री मेरा है या नहीं? अगर ये डाउट होता कि इन्वेंट्री तो मेरा ही है, सही पीरियड में आना चाहिए, इस साल में आना चाहिए, अगले साल में आना चाहिए, तो कट ऑफ दिमाग में आता। तो क्या दिमाग में आता? कट ऑफ। आप अगर ऐसे सोचोगे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस को आप याद ही नहीं कर सकते कुछ, दिस इज प्योर अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए सब अलग पढ़ाना चाहिए था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैंने जानबूझ के ओपन भी नहीं करना चाहिए, बट है स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, ऐसा एक नहीं, बहुत सारे हैं, मतलब 5-6 हैं पूरे चैप्टर में, विच इज वेरी लेस अकॉर्डिंग टू मी, देर शुड बी अ मोर क्वेश्चन, तब जाके आईसीआई को भी कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा पूछ सकते हैं। मतलब सर, डाउट से दो में बचेगा, एग्जिस्टेंस है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है? ऑनेस्टली डाउट अगर आ सकता तो दो में आ सकता है, एग्जिस्टेंस है या राइट्स है। ध्यान से सुनना, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मेरे बुक्स में इन्वेंट्री दिखता है 100 करोड़, मेरा डाउट क्या है? ये इन्वेंट्री है भी या नहीं, ये इन्वेंट्री है भी या नहीं? सुनिए मेरा बात, मैं ओनरशिप, सुनना, एग्जिस्टेंस ओनरशिप कनेक्टेड होते हैं दोनों, इसीलिए इंडिविजुअली नहीं यूज करते, दोनों कलेक्टिवली यूज करते हैं। मुझे बोला है आपके बुक्स में इन्वेंट्री 100 करोड़ है, पहला डाउट ये इन्वेंट्री है भी क्या, दूसरा क्या ये इन्वेंट्री जो है वो तुम्हारा ही है क्या? तो एग्जिस्टेंस इज नॉर्मली अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्जिस्टेंस इज नॉर्मली अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन। तो मैं क्या देखूंगा? इन्वेंट्री फिजिकली प्रेजेंट है क्या? अगर मैं बोलता हूं बुक्स में 100 करोड़ है, इन्वेंट्री फिजिकली प्रेजेंट करता है, तो मुझे क्या लगेगा? 100 करोड़ है। अब मुझे डाउट क्या आएगा? 100 करोड़ है, उसका इन्वेंट्री फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वेरीफाई किया, बट परचेज इनवॉइस तुम्हारे नाम पे नहीं है,
सुनो स्टेप कैसा होता है, वापस से दिमाग लगाना। मेरे बुक्स में इन्वेंट्री कितना दिख रहा है, 100 सीआर। सबसे पहले ये इन्वेंट्री होगा ही नहीं, तो इसके लिए 31 मार्च को क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इन्वेंट्री तो फिजिकल ही है, तो ये तो समझ में आ गया, जो ई बुक्स में दिख रहा है वो इन्वेंट्री है तो सही। अब बस डाउट ही है, तुम्हारा इन्वेंट्री है क्या ये? अरे अब डाउट क्या आएगा, तुम्हारा ही इन्वेंट्री है क्या? यही क्वेश्चन में पूछा है। इन्वेंट्री है या नहीं इज नॉट इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्री तुम्हारा ही है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। That's it. I cannot try more. Did you understand? Read the answer. The auditor is trying to verify assertion relating to rights and obligation. He is trying to verify that the company owns or controls the inventory which is recorded. Existence में मैं देखता हूँ जो inventory recorded है वो है क्या? इसमें देखता हूँ वो inventory तुम्हारा ही है क्या? Okay. देखो. एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। सोचो आज तक का सारा कंटेंट लिखा कैसे, योर इन्वेंट्री विद द थर्ड पार्टी। अभी जो पढ़ा एग्जाम्पल उसमें भी क्या था, इन्वेंट्री लाइंग विद द थर्ड पार्टी, दिस टाइम यू आर द थर्ड पार्टी। यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं जानबूझ रे तुमको ये जो पॉइंट पढ़ा है ना मैंने, 9, योर इन्वेंट्री इज हेल्ड बाई थर्ड पार्टी, दिस टाइम यू आर द थर्ड पार्टी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का मजा आया? काश ऐसे पूरा पेपर होता, ऐसा होगा। आई एम टेलिंग यू, वन फाइन डे, मार्क माई वर्ड्स, आई एम श्योर यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय देन। बट या इट विल हैपन, एंड दैट इज व्हाई पेपर बिकम्स इधर हाईली स्कोरिंग और गो बैक टू बेसिक्स। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन रिमेंबर, एवरी टाइम देयर विल बी न्यू क्वेश्चन, एवरी टाइम देर विल बी न्यू इंडस्ट्री, न्यू सिचुएशन। कितने याद कर लेगा तुम? इसलिए बोलते हैं ना जब जीमैट का एग्जाम लिखना होता है, कैट का एग्जाम, तो याद करके नहीं जा सकते। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उधर कोई फिक्स क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक ट्रेंड हो सकता है, थोड़ा सिनेरियो समझ में आ सकता है, बट सेम क्वेश्चन आएगा इसका कोई गारंटी। बट इससे एक्चुअल नॉलेज टेस्ट होता है कि तेरे को समझा भी है क्या वो असर्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज तो याद कर लो। एग्जिस्टेंस के लिए सर ने बोला कन्फर्मेशन लेटर, कोई भी चार पॉइंट लिखेंगे चार मार्क मिल जाएगा। तो जो वो चार मार्क इंटू 10-40 तक बहुत आसान, एंड यू पास। ऐसे अगर क्वेश्चन आए, जस्ट इमेजिन 50 क्वेश्चन, देन दे डिसाइड वेदर यू पास और नॉट, देन दे रियली गेट टू नो वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। जाने दीजिए अभी के लिए, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। वापस से घबरो मत ऐसा, वापस से मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, I can be wrong, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बट 100 मार्क नहीं आ सकते। सच क्वेश्चन कैन बी 2-4 ऑन हायर साइड। नॉर्मली ट्रेंड बदलने के लिए इट कैन नॉट कम एज अ शॉक, दे शुड ऑल्सो गिव अ क्लैरिटी दैट एक्चुअली दे आर चेंजिंग द वे ऑफ क्वेश्चनिंग, दे आर चेंजिंग द वे ऑफ टेस्टिंग, बिकॉज दैट ऑल्सो मेक्स देम फोर्सफुली चेंज देयर स्टडी मटेरियल ऑल्सो। एक क्वेश्चन एक ढंग से पूछने से, स्टडी मटेरियल तो सही नहीं है अभी भी। स्टडी मटेरियल किधर सिखा रहे तेरे को असर्शन ढंग से? स्टडी मटेरियल में तो गलती भी है, तो जाने दो, मैं वहां जाऊंगा तुम परेशान हो जाओगे। तुम असर्शन अगर एस पर 315 निकालोगे और असर्शन एस पर स्टडी मटेरियल निकालोगे, डिफरेंस है नहीं जा रहे अपन वहां पे। एस पर ऐसे 315 असर्शन के अंदर कुछ वर्ड्स अलग अलग होते हैं, थोड़े टर्म्स अलग होते हैं, वो प्रॉपर एस पर आईसा आया है, हमारे ऑथर ने थोड़ा अपने हिसाब से लिखा है। मैं नहीं बोलूंगा वो गलत है, 90% के आसपास करेक्ट है, 10% अप एंड डाउन ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में होता भी है, बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव, सिचुएशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। एनीवेज माय जॉब इज टू गो बैक टू इन्वेंटरी एंड टू टीच यू वैल्यूएशन। मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले कट ऑफ के अंदर एक पॉइंट नंबर 1, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो दिमाग को कितना वियर्ड लग रहा ना सडनली वहां से आने के बाद में, अंडरस्टैंडिंग दिस? आई टेल यू व्हाट, टू स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग ACCA, ठीक है, एंड दे हैड क्लियर्ड देयर सेकंड लेवल तक के एग्जाम्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल। फिर उनको लगा कि नहीं मेरे को CA कर लेना चाहिए, मतलब वी आर इन इंडिया, हमको बाहर नहीं जाने का है, तो उन्होंने CA का कैरिकुलम पढ़ना शुरू किया। एक आध लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरे से मिलने के लिए आए। I don't understand, sir. What? Why are you guys talking like this? This is not sensible. आप लोग क्यों sentence by sentence read कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो? Why are you doing all this? Because it's like someone alien.
watching us. See, we are used to of the culture, you are understanding. I am not appreciating that that course is better. I am saying it's a different approach. And up to some extent, some approaches are good. You need to accept it. वो बोला कि अप्रोच ही अलग है पूरा का पूरा. मतलब अगर मेरे को ऐसा पूछा मैं फेल ही हो जाएगा पेपर में. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी शायद फेल हो जाएगा क्योंकि वो उसको भी पॉइंट मैच करना पड़ेगा. वो डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर मॉड्यूल में 5 लिखा है, मतलब 5 ही पॉइंट लिखना पड़ेगा. वो बोलेगा 505 कितना ही बढ़िया, मेरे को आता होगा ऑफर. इसीलिए तुमको क्या लगता है, मैं तुमको वापस वापस जो बोलता हूँ ना, एक बात हर बार ये बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल कि तेरे को इतना मार्क्स आ गया, कम मार्क्स आ गया, रैंक आ गया, व्हाटएवर इट इज, इफ यू एक्चुअली गो टू द रियल वर्ल्ड, अगर तुम ऑडिट का बात करोगे, जो बेस्ट पॉसिबल ऑडिटिंग पार्टनर्स है इंडिया के, तुम उनके पास जाकर के उनको बोलोगे कि मेरे को ये मस्ट लिख करके इतना मार्क्स आया, दे लाफ एट यू. दैट इज नॉट ऑडिटिंग. दे विल बी लाइक, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज परवेसिव, इफ यू कांट प्लीज गेट ऑफ. पक्का 100% बोल रहा हूं आपको मैं. इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट कमिंग हियर एंड वी आर नॉट गोइंग देयर. So they are happy in their world and we are happy in our world. You are understanding? But your world will collide with their world someday. Understand? My world will not collide now. I have come from there. Understand this. So I have changed according to this world. I am not going back there. But you will have to go there. Understand? Your world is going to collide. तुम्हारा ऐसा होने वाला सामना उन लोगों से. तो तुम्हारा thought अगर नहीं सही हुआ, तो तुम्हारा promotion उनके हाथ में है. हमारा सिलेक्शन भी उनके हाथ में. फॉरगेट अबाउट प्रमोशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इसीलिए तुमको अप्रोच रखना जरूरी है. आई अग्री पास होना जरूरी है. मैं डेफिनेटली मना नहीं करता है. हमको आईसीएक अप्रोच फॉलो करना चाहिए. मैं खुद एज ए टीचर आपको बोलता हूँ, इट्स रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली हर एग्जामिनेशन को रिस्पेक्ट करना है. वो जैसे पूछता है वो याद करना है. अब अगर वैसे पूछोगे तो मेरे को ज्योग्राफी क्यों याद करना चाहिए, मेरे को हिस्ट्री क्यों याद करना चाहिए, जिससे मेरा मन हो तो मैंने पढ़ना चाहिए ना यार. इज इट अ कंपल्शन? मेरे को लगता है मैं जब उस कंट्री में जाएगा तब मेरे को ज्योग्राफी समझेगा, कि तब मुझे जाना होगा तो मैं देखूंगा ना मैप के अंदर. मैं पहले क्यों बैठ के देखूं बरमूडा ट्रायंगल किधर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अंडरस्टैंड दिस. तो वैसा अपन आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते. वी हैव टू रिस्पेक्ट द एग्जाम. कैन वी गो टू इन्वेंटरी? चलो कम टू द वैल्यूएशन पार्ट. इन्वेंटरी वैल्यूएशन तीन चीजें लिख के दी है, फॉर रॉ मटीरियल, फॉर WIP, फॉर फिनिश गुड्स. इधर ना एक सिंपल सा चीज याद रखना, वो क्या बोलता है, आपके इन्वेंटरी के अंदर रॉ मटेरियल अमाउंट लिखा हुआ है, WIP अमाउंट लिखा हुआ है, फिनिश गुड्स अमाउंट लिखा हुआ है. आपको ना वो अमाउंट चेक करना है. क्या चेक करना है? अमाउंट. अब वो अमाउंट का वैल्यूएशन AS से आता है. कहां से आता है? AS से. अब आपको जो थोड़ा बहुत AS आता होगा, आपको लगता होगा नॉर्मली इट इज योर NRV टेस्ट, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर. बट दैट इज फॉर फिनिश गुड्स. That is actually for finished goods. For raw material the test is different. For WIP the test is even different. तो हमको सबसे पहले raw material में क्या देखना है कि भाई मैंने खरीदा, ये मेरा raw material है. This is not the finished goods. Assume a situation. ये raw material का मेरे लिए cost क्या है? Plus इस raw material related कुछ additional cost है क्या जो मेरे को bare minimum incur करना पड़ेगा to procure this? तो can I say raw material के cost में normal cost of purchasing के अलावा कुछ other cost भी add होती है कि नहीं होती है? ये आपको business को समझ करके understand करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा valuation बराबर है या नहीं है. आपने inventory में सुना होगा absorption of overheads. There are lot of indirect cost जो आप inventory या बाकी चीजों के regarding incur कर रहे हो, so directly relate नहीं हो सकती है, but indirectly relate हो सकती है. इसलिए क्या करना पड़ेगा? Overheads का absorption करना पड़ेगा. तो समझना पड़ेगा ना overheads में क्या क्या आता है, कितना percentage आप allocation करने वाले हो for raw material, how much for WIP and how much for finished goods. यही दो point दिमाग में रखने का है और आपका आंसर लिख देने का है. आइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स कैसे चेक करोगे. सबसे पहले क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मार्क करना, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज इंक्लूडेड. मतलब क्या क्या कोई नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज ऐड कर रहे हो आप, कोई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऐड कर रहे हो, प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट. मतलब रॉ मटेरियल का खुद का कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा और कौन सा कॉस्ट आप वैल्यूएशन पर्पस के लिए टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, ये मैनेजमेंट से पूछो. फिर आप एप्लीकेबल FRF से कंपेयर करो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है बराबर है या नहीं है. नंबर टू, इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड. मतलब कभी कभी वो बोलेगा सर हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करना मुश्किल है. हमने क्या किया है, एक
कॉस्ट डिटरमिनेंट्स बना दिए, क्या बना दिए, कॉस्ट डिटरमिनेंट्स, कि हर रॉ मटेरियल जो आएगा 1000 किलो रॉ मटेरियल के लिए इतना लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड करना ही है। तो कहना इसे स्टैंडर्ड डेटा है, वो स्टैंडर्ड डेटा से वो क्या करता है, कॉस्ट अलोकेट करते जाता है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज किया जा रहा है तो सर बेसिस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, सर कोई वेरियंसेस है क्या एक्चुअल्स के अंदर, मतलब हमने इसे रॉ मटेरियल के लिए लेट्स से लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड करते गए, टोटल ऐड कर दिया 2 लाख रुपए, एक्चुअल लॉजिस्टिक वाले को पे किया 1,80,000 रुपए, इज देयर अ वेरिएंस ऑफ 20,000 रुपीस, यस। ये वेरिएंस क्यों आया, कोई आपने वन टाइम पेमेंट किया, आपको डिस्काउंट मिल गया क्या, मतलब ये डिफरेंस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जो आपने कॉस्ट रॉ मटेरियल को लोकेट किया है। नंबर 3, टेस्ट चेक करो कि भाई प्राइसेस जो है परचेस इनवॉइस से मैच होते हैं क्या, मतलब रॉ मटेरियल जो खरीदा होगा वो इनवॉइस से उसका अमाउंट मैच होना चाहिए। एंड लास्ट वन चीज, कोई भी अगर इन्वेंटरी आपको लगता है ऑब्सोलीट है, डैमेज्ड है, आपको डर क्या है, इन्वेंटरी खरीदा उसका कॉस्ट आया बुक्स में दिखा इन्वेंटरी अमाउंट 30 करोड़, मेरे को डर क्या है, ये इन्वेंटरी जब फिजिकली वेरीफाई करने के लिए गया मेरे को रॉ मटेरियल डैमेज लग रहा है, तो डैमेज रॉ मटेरियल का कॉस्ट सेम नहीं हो सकता जो मेरे बुक्स के अंदर है, कहने से डैमेज का एक्चुअली रियलाइजेबल वैल्यू कम रहेगा, तो कहना इसे यहां पे कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है एक्चुअल वैल्यू कम रहेगा, कहने से ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी हो जाएगा, यस ये चेक करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 4 में। रीड पॉइंट नंबर 4 खत्म हो गया रॉ मटेरियल। कम टू WIP नाउ। WIP में भी कॉस्ट एलिमेंट वाला पॉइंट सेम रहेगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा ना कॉस्टिंग के अंदर कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है। सी रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स जाने के लिए 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में 20% कंप्लीट होता है, स्टेज 2 तक 40% कंप्लीट होता है, 3 तक 60% और 4th में 100% कंप्लीट, ऐसे आपने स्टेज डिवाइड किए होंगे। स्टेज 3 तक है मतलब WIP 60% कंप्लीट हुआ होगा, तो याद है आप उसको कन्वर्ट करते थे इनटू इक्विवेलेंट यूनिट्स, 60% अगर है या 50% तो इक्विवेलेंट टू कन्वर्ट करना पड़ता था, ओवरऑल यूनिट्स के लिए वैल्यूएशन बराबर है क्या नहीं है। तो नंबर 1, असर्टेन कीजिएगा क्या क्या स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के, वैल्यू एडिशन के, जो मेजरेबल है, मतलब सर कितने स्टेज में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। उन्होंने बोला 4 स्टेज है, ठीक है, हर स्टेज मेजरेबल है क्या, उन्होंने बोला यस। स्टेज 1 में 20% कंप्लीशन होता है, स्टेज 2 तक 40% कंप्लीशन होता है, 3 तक 60%, उसके बाद में सीधा 4th स्टेज है जहां पे 100% कंप्लीशन हो जाएगा, मतलब स्टेज 4 के बाद में इट विल बिकम अ फिनिश गुड्स। कॉस्टिंग में ये क्वेश्चन भी याद किया होगा आपने, याद करो, याद किया होगा मतलब सॉल्व किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल 3rd स्टेज के बाद में देर इज डायरेक्ट सेलेबिलिटी है प्रोडक्ट का, उसको 3rd स्टेज के बाद बेचा तो मिलेगा 100 रुपए, 4th स्टेज में जाके कंप्लीट किया तो मिलेगा 150 रुपए, बट एडिशनल कॉस्ट जो है 20 रुपए का है, और आपको पहले वाले में मार्जिन कितना है, दूसरे वाले में मार्जिन कितना है डिसाइड करना था, कंटिन्यू करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, डायरेक्टली स्टेज थ्री का बेच देना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पढ़ाया होगा आपको ये पक्का, नॉर्मली सीए इंटर फाइनल में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, यही चीज आपको ऑडिट में देखने पड़ेंगे, उनसे पूछने पड़ेंगे कि भाई अलग अलग स्टेजेस क्या है, हर स्टेज मेजरेबल होना चाहिए, फिर सर आपके क्या क्या सेम पॉइंट कॉस्ट एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे, मतलब आपने बोला ना स्टेज 1 पे 20%, तो 20% में क्या क्या चीज ऐड होगा, मतलब स्टार्टिंग में आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, यहां से स्टेज 1 तक पहुंचे तो लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगा, स्टेज 2 तक लेबर प्लस कुछ कंज्यूमर आइटम ऐड हो जाएंगे, मतलब आपके अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या कॉस्ट ऐड हो रही है ये मेरे को दिखना चाहिए, इससे पता चलेगा वैल्यूएशन ऑफ WIP बराबर है या नहीं है। आपने वैल्यूएशन का WIP कैसे कर लिया था पता है क्या, 50% कंप्लीटेड है, 100% का वैल्यू 100 होता है, 50% जितना क्वांटिटी है उसको प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करो, 100% कितना होगा वैल्यूएशन में उसके इक्वल कर दो, वैसे ही किया होगा ना। फिनिश गुड्स जो आपका उसका 100 रुपए वैल्यू है, WIP के अंदर 50% कंप्लीशन 100 यूनिट दिख रही है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू विल बी इक्वल टू 50 फिनिश गुड्स, तुमने ये किया होगा बराबर है ना, ऐसा नहीं होता है, दैट्स ओके, दिस इज आई एम श्योर योर थंब रूल, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट अमाउंट निकालना, आंसर मैच करना है, आपका जिंदगी आसान है, क्योंकि हर स्टेज में शेल्फ लाइफ होती है। वॉट इफ माई 50% के बाद शेल्फ लाइफ इज वेरी लिमिटेड, क्या गारंटी है वो 50% से 100% सबके सब कंप्लीट होते ही है, उसके अंदर बीच में लॉस हो गया तो, इफ ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड,
व्हाट इज द बेसिस, वही सेम चीज, ऊपर कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट के बाद ओवरहेड्स वाला पार्ट देखना पड़ेगा। 1 2 3 तीन पॉइंट को मार्क कर लीजिए, डब्ल्यू आई पी हो गया। डब्ल्यू आई पी फर्स्ट थ्री पॉइंट, अलग अलग स्टेजेस क्या है, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या ऐड होते हैं, एंड तीसरा सिंपल चीज है, अगर ओवरहेड्स को आपने अलोकेशन किया है फॉर डब्ल्यू आई पी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अब्सॉर्बिंग दोस ओवरहेड्स, वो आपको बेसिस पता होना चाहिए। फिनिश गुड्स, कुछ पॉइंट मार्क करवाता हूं, रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान है। पहला चीज, क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होते हैं टिल द फिनिश गुड्स लेवल। पॉइंट नंबर टू आपका फेवरेट, इंश्योर दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट एनआरवी। अगर आपको लगता है दे आर गोइंग टू फेच अ लोअर वैल्यू देन द कॉस्ट, ऑब्वियसली एनआरवी टेस्टिंग का मतलब ये होता है बुक्स में कॉस्ट 100 रुपए है, मेरे को लगता है इसको अगर मार्केट में बेचने के लिए गए तो रियलाइज 80 रुपए ही होगा, मतलब इट विल रियलाइज लेस देन द कॉस्ट, तो एनआरवी शुड बी द वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अदरवाइज कॉस्ट के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस पॉइंट नंबर वन एंड टू क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, एजिंग एनालिसिस आ जाएगा। नंबर फाइव एजिंग एनालिसिस पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर एट एंड नाइन, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ऊपर के सारे पॉइंट्स को क्लब कर देना, नीचे का आंसर बन जाएगा। अरे ऊपर से ओवरहेड्स, कॉस्ट एलिमेंट, एएस2, बस ऊपर से आप जो जो इन्वेंटरी के बारे में जनरल जानते हो फिनिश गुड्स से सब अप्लाई कर देना, सब, क्योंकि फिनिश गुड्स मतलब कंप्लीट इन्वेंटरी हो गया आपका जो 100% कंप्लीटेड है। और पॉइंट नंबर 10 इज अ रिपीटेशन ऑफ पॉइंट नंबर 2, वेरीफाई आपने करेक्टली अप्लाई किया है क्या लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी प्रिंसिपल। वो 2 में चेक किया तो अप्लाई भी करोगे ना यार, चेक करके छोड़ थोड़ी दोगे। इज दिस क्लियर टू यू? चलो, इन्वेंटरी में पीएनडी में कुछ भी कोई टेबल नहीं है, टेबल नहीं है मतलब नहीं आएगा। दैट्स हाउ आई सी थिंग्स, आई एम टेलिंग यू। इज दिस क्लियर टू यू? क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी, तीन मेजर खत्म हो गया। अब दो कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में, एक पढ़ेंगे दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, सिमिलर ही आंसर रहेगा, बस एएस अलग रहेगा, बाकी मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। वन इज कॉल्ड एज लैंड बिल्डिंग्स, दैट इज योर टैंजिबल पीपी वाला कॉम्पोनेंट, दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा वाला इज योर इनटैंजिबल एसेट्स। दो ही चीजें मेजर है, लोन्स एंड एडवांसेस टाइम पास है, उसमें लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाना है। आई थिंक वी शुड बी डन विद द बैलेंस शीट, मैं एसेट साइड आफ्टर दैट। इंटेंजिबल के बाद एक ही बचेगा ना, लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें तो कुछ बताने ही नहीं है मेरे को, लास्ट में एक चीज पढ़ाने का, उड़ा देने का है। आइए, लेट्स गो टू पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक अच्छा 15-20 मिनट लगेगा, टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, आई एम श्योर दिस विल बी यूजफुल एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हियर मी आउट केयरफुली, ओके, टॉकिंग अबाउट टैंजिबल एसेट्स, सबसे पहला चीज, तो फर्स्ट पॉइंट इज, ध्यान रखिएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी जैसे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये हर साल करवाया जाए कंपलसरी नहीं होता है, इन्वेंटरी नॉर्मली हर साल होता है एंड पीरियड एंड डेट को होता है। बड़े कंपनीज में पीपी का फिजिकल वेरिफिकेशन वंस इन 2 ईयर्स या वंस इन 3 ईयर्स हो सकता है। ये पूरा डिस्कशन जो है कारों के क्लॉज नंबर 1 से आ रहा है, कहां से आ रहा है? कारों के क्लॉज नंबर 1। तो कारों का क्लॉज नंबर 1 एंड आपका आंसर इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो नंबर 1, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन करवाने वाला है? मैनेजमेंट। उसका रिपोर्ट रहेगा, हमें वो रिपोर्ट गो थ्रू करना चाहिए, समझना चाहिए कुछ डिफरेंसेस मिले थे क्या, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी के रिकॉर्ड्स में क्वांटिटी कुछ और दिख रहा था, एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और था, वेरियंस था, उन्होंने एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया, हमको चेक करना पड़ेगा। इस फिजिकल वेरिफिकेशन पॉइंट क्लियर टू यू, नंबर 1। दूसरा चीज, ये जो हमारे बैलेंस शीट के इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उधर ना, ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन लेस डिलीशन गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस। हमने ये शेड्यूल मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना चाहिए कि भाई आपके पीपीई में ओपनिंग बैलेंस में आइटम्स क्या क्या दिख रहे हैं, आपने एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, दीज आर योर न्यू ट्रांजैक्शंस क्या क्या है, डिलीशंस ड्यूरिंग द ईयर, दीज आर बोथ आर योर ट्रांजैक्शंस
ड्यूरिंग द ईयर, ये कोई नए ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर वाले, इनके लिस्ट आपको चाहिए, क्या क्या करंट ईयर में एडिशन हुआ है, क्या क्या करंट ईयर में डिलीशन हुआ है। अब सुनिए, इसका टेस्टिंग अलग होगा, इसका टेस्टिंग अलग होगा, दोनों का अलग से टेस्टिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले मैनेजमेंट से डिटेल लेंगे कि भाई आपका ये शेड्यूल चाहिए हमको, एडिशन का डिटेल्ड लिस्ट चाहिए। अब क्या करने का, ये एडिशन की जो लिस्ट है इसका मतलब क्या है, कुछ तो नया कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल में हुआ है, कुछ तो नया कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल में हुआ है। नंबर वन, क्या कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बिना अप्रोप्रिएट इंसान के अप्रूवल के हो सकता है क्या? नहीं, कोई ना कोई अप्रोप्रिएट इंसान का अप्रूवल होना चाहिए, तभी एडिशन वेरीफाई होगा और तभी एडिशन होगा ना। मतलब एडिशन समझ लीजिए कोई नया एसेट खरीदा है, समझ रहे हो, और नया एसेट खरीदने से पहले किसी ना किसी का अप्रूवल लगेगा ही लगेगा। नंबर टू, अब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, अमाउंट इन्वॉल्व बढ़ा रहेगा, रैंडमली किससे भी परचेस कर लोगे क्या? नहीं, कहना इससे परचेस करने से पहले अलग अलग लोग ढूंढोगे, उनसे कोटेशंस मंगाओगे, जो बेस्ट पॉसिबल वेंडर का कोटेशन मिलेगा उसको ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे, एंड उससे ही आपका ये खर्चे के बाद में एसेट्स को रिसीव किया जाएगा, पुट टू यूज किया जाएगा। नंबर वन, ये कोई भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये अप्रूव्ड इंसान के ट्रांजैक्शन के बाद, अप्रूवल के बाद ही होना चाहिए, प्रॉपर वेंडर के कोटेशन वगैरह लेने के बाद में ही आपने ये खर्चा इनकर करना चाहिए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैं खर्चा वर्ड यूज कर रहा हूं। आर दीस टू पॉइंट्स क्लियर टू यू? तीसरा चीज, आपने ये एसेट को पुट टू यूज कब किया, मतलब सर आपने एक्चुअली में ये एसेट को रिसीव कब किया, रिसीव करने के बाद में यूज करना कब शुरू किया, आपने ये एसेट के लिए कितना पैसा खर्च किया, AS 10 के हिसाब से वो अमाउंट कैपिटलाइज जो आपने किया है वो बराबर है या नहीं है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर क्या आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे या नहीं करोगे, अगर करोगे तो मेथड क्या यूज करोगे, यूजफुल लाइफ क्या डिटरमाइन किया है आपने, आपका ओवरऑल पॉलिसी क्या होगा डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, ये हमको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। वापस से एडिशंस का लिस्ट किससे मिलेगा, मैनेजमेंट से, सैंपल बेसिस पे इसमें से कुछ चेकिंग करना पड़ेगा कि भाई ये एडिशन के लिए अप्रूवल किसने दिया था, वेंडर्स कोटेशन वगैरह मंगाने के बाद देने के बाद फाइनलाइज किया था कि नहीं किया था, पुट टू यूज कब किया, खर्चे का अमाउंट कैपिटलाइज एज पर AS 10 किया या नहीं किया, डेप्रिसिएशन वगैरह का पॉलिसी सही से डिटरमाइन करके चार्ज करना शुरू करना चाहिए। एंड आपको मालूम रहेगा डेप्रिसिएशन भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए डे बाय डे कैलकुलेट होता है, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम पुट टू यूज से लेके 31 मार्च तक का कैलकुलेशन होकर के आपके पीएनएल को हिट आना चाहिए। कह रहा इसे इंटेंजिबल एसेट होगा तो सेम चीज आएगी, बस इस बार क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड अमोर्टाइज आ जाएगा। नेक्स्ट, आपने अगर कुछ एडिशन किया है, कोई नया खर्चा किया है, सोचिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो नया एसेट खरीदा है किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदा है तो टाइटल डीड का रजिस्ट्रेशन कंपनी के नाम पे होना चाहिए, फर्नीचर वगैरह परचेस किया है इनवॉइस कंपनी के नाम पे होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कि कंपनी के पास में राइट्स है ओवर दीज एसेट्स, ये हमको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा एडिशन वाला पार्ट समझा क्या, कौन सा पार्ट समझा, एडिशंस। स्पेसिफिक क्वेश्चन एडिशंस पे आ सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन डिलीशन पे आ सकता है। डिलीशन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये एसेट्स को बेचना इज नॉट ए नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ये बहुत रेयरली होना चाहिए, हर दिन कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेचते बैठेगा नहीं, तो कहना इसे इसके लिए नॉर्मली आपको सही इंसान का अप्रूवल लेना चाहिए कि हम ये एसेट को बेचने वाले हैं। जनरली बीओडी का अप्रूवल लगता है, किसका अप्रूवल लगता है, बीओडी का, एक्सट्रीम केसेस में टीसीडब्ल्यूजी का अप्रूवल भी लग सकता है। आई विल टेल यू व्हाट, जब नॉर्मली ऐसा किया जा रहा है ये एसेट को बेच करके एक डायरेक्टर को दे रहे हैं, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, गाड़ी एलोकेट करके दे रहे हैं कि गाड़ी तू लेके चले जा, तेरे को इस साल का कमीशन कंपोनेंट जो 20 लाख रुपए वो नहीं मिलेगा, उसके अगेंस्ट तेरे को एसेट दे रहे हैं, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो हमको टीसीडब्ल्यूजी के पास जाना पड़ेगा, मेंबर्स का कंसेंट लगता है इन द जनरल मीटिंग, इधर लिखा हुआ नहीं, आपको बता रहा हूं रेफरेंस के लिए। तो डिलीशंस के लिए हमें नॉर्मली बीओडी या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का अप्रूवल लगता है। अब ऑब्वियसली डिलीशन मतलब एसेट को बेचना है, तो सेम एसेट को बेचने के लिए भी अलग अलग वेंडर से हमने क्या मांगना चाहिए, कोटेशन मांगना चाहिए, फिर वो सही कोटेशन जिससे रहा है उसको बोलना चाहिए हम इसको बेचने के लिए तैयार हैं, बेचने के बाद पैसा रिसीव होना चाहिए, एंड बुक्स में बराबर अकाउंटिंग होना चाहिए कि मेरे बुक में वैल्यू कितना था, बेचा कितने में, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसका बराबर से इंपैक्ट मेरे बुक्स में आना चाहिए। ऑब्वियसली जिस दिन बेचा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करना पड़ता है। क्या एडिशन डिलीशन समझा क्या, इज दिस क्लियर टू यू? आइए पहले इतना पढ़िए मेरे साथ में जो बताया है, फिर अगले पार्ट पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे। आइए कम टू लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें सीधा मैं जा रहा हूं ऑडिट वाले पार्ट में, ये तो आप पढ़ लोगे ना प्लीज यार, AS 10 के हिसाब से क्या खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है क्या नहीं आता है, ये बीकॉम लेवल है, आई होप यू कैन डू दैट राइट गाइस। चलिए सीधा आइए एग्जिस्टेंस में, देखिए सबसे पहले कंपनी का प्लान क्या है टू परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी, वो चेक कीजिएगा, कंपनी
खुद से करने वाला है, स्टाफ से करवाने वाला है, उनका पॉलिसी क्या है। जनरली 2 या 3 साल में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। पॉइंट नंबर 1 को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट एग्जिस्टेंस का पॉइंट नंबर 1। स्ट्रिक्टली जो बोलता हूं पढ़ो, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएगा कौन? मैनेजमेंट। उनसे ही पूछो तुम्हारा पॉलिसी क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है। खुद से फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे, हर साल करते हो, 2 साल में एक बार 3 साल में एक बार, जनरली इंडिया में बड़े एंटिटीज में 2 साल या 3 साल में एक बार होना बहुत नॉर्मल होता है। इट कैन बी वंस अ ईयर ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, उनके ऊपर होता है। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? नेक्स्ट सर, ऑब्टेन द पीपीई फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पॉइंट नंबर 3 को मार्क करना। अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवा मैनेजमेंट लेगा, तो एक रिपोर्ट रहेगा उनके पास में, वो रिपोर्ट आपने ऑब्टेन करना चाहिए। क्या देखना चाहिए? जैसे इन्वेंटरी के सारे आइटम्स प्रॉपर्ली टैग्ड होने चाहिए, वैसे पीपी के आइटम्स भी क्या होने चाहिए? टैग होने चाहिए। उनका डिटेल वर्किंग पेपर्स के अंदर मैच होना चाहिए। सर ऑल आइटम्स शुड बी फिजिकली वेरीफाइड इन कंपेरिजन विद द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। मतलब हम हमारे बुक्स के अंदर FAR फिक्स्ड रजिस्टर मेंटेन करते हैं, फिजिकली क्या क्या है कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंसेस जो मिलेंगे उनका रिकंसिलेशन होना चाहिए। एंड अगर डिफरेंसेस मिलते हैं क्या उनको प्रॉपरली डील करना चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? प्रॉपरली डील करना चाहिए मतलब एडजस्टमेंट कर देना चाहिए। जनरली डिफरेंस क्या मिलेगा? बुक्स में दिख रहा 100 लैपटॉप, फिजिकली 80 लैपटॉप होंगे, 100 के 1000 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं नया जनरेट नहीं हो सकता, इट कैन बी लेसर, खो गया होगा, टूट गया होगा, खत्म हो गया होगा, वैल्यू खत्म हो गई होगी, ये हो सकता है। मतलब राइट ऑफ ही करना पड़ेगा बुक से। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। इस फिजिकल वेरिफिकेशन पॉइंट क्लियर टू यू? आज तक इधर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, मेरे को फिर भी लगता है बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन बनाने का है, तो 1 और 3 इंपॉर्टेंट है। 1 और 3 ये आने वाले टाइम में अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जनरली एडिशन डिलीशन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अगले पेज पे आइए, कंप्लीटनेस। किनोसी हम सबसे पहले ये ऑब्टेन करेंगे शेड्यूल, देख रहे हैं आपको मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस एडिशन डिलीशन गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस, देख रहे हैं ये चीज। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए, जो जो करंट ईयर के एडिशंस है उनको चेक कैसे करेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भाई आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, करंट ईयर में मेजर एडिशंस हैं, एडिशंस को चेक करने का है पीपीई के अंदर, क्या क्या आप स्टेप्स लगाने वाले हैं। सबसे पहले क्या क्या मटेरियल एडिशंस है, मतलब टोटल अमाउंट इन्वॉल्व कहां ज्यादा है, ये हमको देखना पड़ेगा। आर दे इन कंप्लायंस विद AS 10 और नॉट, मतलब इज दैट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो AS 10 के हिसाब से कैपिटलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 लॉजिकल लगता है एकदम। फिर आइए रीड पॉइंट नंबर 2, दीस कॉस्ट जनरली इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड इनिशियली टू अक्वायर और कंस्ट्रक्ट एन आइटम। मतलब आपने सुना होगा पुट टू यूज तक का नॉर्मली सारा कॉस्ट आप अक्यूमुलेट करके क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। तो AS 10 के हिसाब से वो अलग अलग कॉस्ट कौन कौन सा है, नॉर्मली वो इक्विपमेंट को खरीद करके इंस्टॉल करके यूज करने तक के इनिशियल सारे कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, वो AS 10 को ही एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है। इज ए एंड बी क्लियर टू यू? रीड पॉइंट नंबर ई, हमेशा आता ही है, कोई भी जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा, रिपेयर्स कॉस्ट रहेगा, वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट एंटिटी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग टू योर बुक्स, मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मत दिखाना, उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयर्स मेंटेनेंस में डाल देना। इस पॉइंट नंबर ई क्लियर टू यू? ऑब्वियसली जो भी आपने एसेट खरीदा होगा उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखना पड़ेगा, मतलब परचेज इनवॉइस देखना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, या कोई भी और डॉक्यूमेंट जिससे मैं वेरीफाई कर सकता हूं ये किस दिन परचेज किया गया, किस दिन पुट टू यूज किया गया, ताकि मेरे को डेट समझ में आए, फ्रॉम वॉट डेट हमने इसको पुट टू यूज किया, कब से ये मेरे बुक्स में FAR के अंदर आना चाहिए, ताकि मेरा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन वहां से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट मेरे को हेल्प करेगा इंश्योर करने के लिए कि किस दिन से ये एसेट मेरे बुक्स में आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? रीड पॉइंट नंबर जी, वेरी सिंपल, हर खर्चा शुड बी अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सनल, बोला था। नंबर एच को मार्क कर लीजिए, हर खर्चे के लिए प्रॉपर क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल होगा, मतलब अलग अलग वेंडर्स होंगे, कोटेशंस मंगाएंगे, सोच समझ के अप्रूव करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर करेंगे। एडिशन के लिए सोचिए 4-5 पॉइंट लिखना कितना आसान काम है, 2 मिनट स्पेंड करके पढ़िए, अभी के भी पिक एनी 4-5 पॉइंट्स।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ग्रेट, चलो लेट्स गो टू डिलीशंस। इसमें प्रॉब्लम है, पॉइंट ही चाह रहे हैं, थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। कुछ नहीं, इधर ध्यान रखना, आपने डिस्कार्ड क्यों करने का डिसीजन लिया, अप्रूवल किसका लिया, डिस्कार्ड किसको किया, पैसा कितना आया, अकाउंटिंग बराबर किया कि नहीं किया, और डिस्कार्ड करने के बाद में बैलेंस शीट से निकाला कि नहीं निकाला, ये ढंग से देखना पड़ेगा। नंबर वन, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट का रीजन क्या है, क्यों डिस्कार्ड करना चाहता है, क्या लॉजिक है उनका, व्हाई डू दे वांट टू डिलीट मतलब डिस्कार्ड, क्यों सेल करना चाहते हैं, क्या कोई नया एसेट परचेस करना चाहते हैं, उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया होगा, इज देयर अ लॉजिकल रीजन। तो रीजन एंड रैशनली फॉर डिस्कार्डिंग, पॉइंट नंबर वन, क्लियर है क्या? दूसरा, मैनेजमेंट ने अप्रूवल दिया है क्या, मतलब बीओडी का अप्रूवल मिलना चाहिए, डिस्कार्ड नोट, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिस्कशन होता है, बीओडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो जाता है एक एनेक्सर के साथ में, इस एनेक्सर में जो एसेट्स दिए गए इनको हम अप्रूव करते हैं कि हम डिस्कार्ड करेंगे, किसको डिस्कार्ड करेंगे, हमने कोटेशंस वगैरह करके रखे होंगे इनमें से, ये कोटेशन को देखते हुए इन दो वेंडर में से किसी एक को दिया जाएगा। नेक्स्ट, वेरीफाई द प्रोसेस फॉलोड फॉर डिस्कार्डिंग, मतलब हमने कॉम्पिटिटिव कोटेशन मंगाने चाहिए, टेंडर्स इन्वाइट करने चाहिए, एंड बराबर से सेल प्रोसीड जो आएंगे उसके बारे में सोच समझ करके एसेट्स को बेचना चाहिए। लास्ट चीज, क्या हमने अगर एसेट को बेच दिया है तो बराबर से क्या करना चाहिए, रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए, बताना पड़ेगा ना एफआईआर में से, अभी एसेट्स इनएक्टिव हो गए हैं, हमारे बुक्स में वैल्यू था 100, बेचा 120 के अंदर, इज देयर अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यू नो एसेट्स, और इज देयर अ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अकॉर्डिंगली उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। बराबर से सिंपल से चार पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, पढ़ लीजिए, खत्म हो गया डिलीशंस। बच्चों, additions, deletions, very important. ICAI likes asking these two questions highly, highly commonly from tangible and intangible. बहुत ज़्यादा पसंद है उनको both additions and deletions. That's why you should be very, very careful. चाहे वो tangible हो या intangible हो, दोनों के लिए आपको equally focused रहना है, और answer दोनों का same ही है, कोई difference ही नहीं है, AS बदल जाएगा, depreciation के जगह amortization आ जाएगा, बाकी कुछ अलग नहीं है, अभी चेक करवा दूंगा, ठीक है? नीचे आ जाओ। वैल्यूएशन में कुछ आने का जरूरत नहीं है, दो वर्ड दिमाग में याद रखना, क्या वर्ड याद रखोगे, दो वर्ड बाजू में लिख दो, एक लिख दो डेप्रिसिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल के लिए डेप्रिसिएशन आएगा, इंटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन आएगा, एंड इंपेयरमेंट लॉस, दूसरा वर्ड क्या है, इंपेयरमेंट लॉस। नॉर्मली कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रॉपर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का पॉलिसी बनाना चाहिए वैल्यूएशन के लिए, एंड दूसरा चीज कंटिन्यूसली इंपेयरमेंट असेसमेंट करते रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बुक्स के अंदर कुछ पीपी का जो वैल्यू दिख रहा है, हमें लगता है बुक्स में वैल्यू, कैरिंग वैल्यू इज 100, हम बुक्स में 100 रुपए में दिखा रहे हैं, फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो बचा हुआ यूजफुल लाइफ है वो 100 रुपए नहीं आएगा, 80 रुपए ही आएगा, मतलब माई एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाई 20 रुपीज, दिस 20 इज कॉल्ड एज इंपेयरमेंट लॉस, AS 28। बस रेफरेंस देना है, इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है नहीं भी पता तो चल जाएगा, पर पता होना चाहिए। दो सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, वेरीफाई वेदर एंटिटी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑल आइटम्स एंड वेदर द पॉलिसी इज अप्रोप्रिएट, दूसरा कंपनी बराबर से इंपेयरमेंट असेसमेंट करता है इन कंप्लायंस विद AS 28, टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स डेप्रिसिएशन एंड दूसरा इंपेयरमेंट लॉस, इतना वैल्यूएशन में याद होना चाहिए, नथिंग एल्स। दो कीवर्ड्स, सेंटेंस भी नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, कीवर्ड्स पता होने चाहिए। आ जाओ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर आईसीआई एडिशन डिलीशन से बोर हो गया तो क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट नंबर 3 पे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मार्क एस SQ, ये आपको बताया अभी, ये पहले वापस से बोलता हूं, ये आता है कारो से, कहां से आता है, कारो से, कारो क्या बोलता है सुनिएगा, सुनिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब जितना भी पीपी दिख रहा है इसका राइट्स मतलब ओनरशिप कंपनी के नाम पे होना चाहिए। सबसे बड़ा डर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, किसका होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑल, ये कंपनी के नाम पे है कि नहीं, इसके लिए मुझे
टाइटल डीड्स देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? टाइटल डीड्स। सेल डीड कंपनी के नाम पे हुआ है क्या? क्या 7-12 जो लैंड का वो कंपनी के नाम पे है क्या? नहीं है। मतलब बॉटम लाइन, आई हैव टू सी वेदर देयर इज अ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली टेल्स टाइटल कंपनी के नाम पे ही है। क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज को एज अ चार्ज दिया जाता है। कंपनी ने पैसा बोरो किया होगा, बैंक से पैसा बोरो किया होगा अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट, और वो एसेट कौन सा रहेगा? आपका इमोबल प्रॉपर्टी रहेगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके पास रहेंगे? बैंक के पास रहेंगे। आपके पास जेरोक्स कॉपीज रहेंगे या सर्टिफाइड कॉपीज रहेंगे। तो आप जब एज ऑडिटर जाएंगे, पूछेंगे ये बिल्डिंग आपके नाम पे है क्या एज अ कंपनी, आप बोलोगे हाँ, पर जो पेपर्स दिखाओगे वो ओरिजिनल पेपर्स नहीं होंगे। और वो बोलेगा ओरिजिनल पेपर किसके पास में है? बैंक के पास में है। तो क्या हमें कंफर्मेशन लेटर भेजना पड़ेगा? हाँ। क्या थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक्चुअली में टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है या नहीं? इधर डराता है बेनामी प्रॉपर्टी का भी। क्या डराता है? बेनामी प्रॉपर्टी। हो सकता है टाइटल डीड्स एक्चुअली कंपनी के नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, और इसके अगेंस्ट में एक पेंडिंग लिटिगेशन भी हो सकता है। तो टाइटल डीड्स जब कंपनी के नाम पे नहीं लगता है तो हमें उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होता है। डिस्क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है। पहले ये पॉइंट नंबर 3-4 मेरे साथ में पढ़िए। नंबर 3, ऑडिटर शुड इंसिस्ट एंड वेरीफाई ओरिजिनल टाइटल डीड्स फॉर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, इन केस द एंटिटी हैज गिवन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोइंग, तो ओरिजिनल टाइटल डीड कंपनी के पास में नहीं होगा। तो क्या कंपनी ने मैनेजमेंट को, हमने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करके कंफर्मेशन लेना चाहिए लेंडर से? यस, कि उनके पास में ओरिजिनल टाइटल डीड्स एग्जिस्ट करती है, हमें 505 अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर सर, कंपनी को वेरीफाई करना चाहिए रजिस्टर ऑफ चार्जेस। कंपनी एक मेंटेन करता है रजिस्टर, हमारे एसेट्स है 4, बोरोइंग है 1, 2, 3, 4, कौन सा एसेट किस बोरोइंग के अगेंस्ट दिया हुआ है एज अ चार्ज, ऐसा रजिस्टर ऑफ चार्जेस रहेगा, वो हमने चेक करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 और 4 है। 5 इज टाइम पास। 3 और 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। कारो के क्लॉज नंबर 1 में यही चीज लिखी हुई है। Is that clear to you? अब सुनिए, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो नॉर्मल आपको पता है ना, पीपी का डब्बा होता है एक, टैंजिबल इनटैंजिबल, टैंजिबल का लाइन दिखता है, ये याद रहेगा तुमको, नहीं याद है तुमको, पता है ना, छोड़ दो ना, पता ही रहेगा यार। दिस वन पीपी एसेट्स लाइन आइटम वाइज, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, नेट ब्लॉक, और सब में दिखाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशंस क्या है, डिडक्शंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 का। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 का, प्लस AS/IND AS। ओके, आपको डिस्क्लोज करना नहीं, पता होना चाहिए डिस्क्लोजर क्या आता है। क्रॉस डेप स्लैश अमोर्टाइजेशन विल गिव यू नेट ब्लॉक। हर किसी में दिखाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्या नया परचेज हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, इतना पता होना चाहिए। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। ये वो पूछता नहीं है, पहले उसको मजा आता था पूछने में, आजकल बोर हो गया। क्यों? क्योंकि आप नया चीजें पूछने के लिए, ये देखो रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग वैल्यू, आपको पता है ना, रिवैल्यूएशन हो सकता है। एक लाइन आइटम पहले 100 करोड़ का था, इस साल उसको सेम कोई रिवैल्यू करके ज्यादा कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, नॉर्मली कम ही होता है। कम टू इंपॉर्टेंट नोट, नीचे नोट नंबर 1, कैन यू सी टाइटल डीड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। मेरा भी प्रॉपर्टी हो गया इनडायरेक्टली, इस बार उल्टा है, ऐसा टाइटल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके बैलेंस शीट में है पर आपके नाम पे नहीं है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कौन से रेलेवेंट आइटम है, किस हेड में गया है, व्हाट इज द वैल्यू, टाइटल डीड्स किसके नाम पे है, आर द टाइटल डीड्स इन द नेम ऑफ अ प्रमोटर और अ डायरेक्टर और अ रिलेटिव, कब से प्रॉपर्टी हेल्ड किया गया है, एंड रीजंस कि भाई क्यों नहीं है कंपनी के नाम पे, ये टेबल देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका टाइटल डीड्स किसके नाम पे नहीं है, कंपनी के नाम पे नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू?
ये सब कुछ कारों से आ रहा है। दूसरा चीज, कंपनी ने अपने पीपीई को रिवैल्यू किया है क्या? अगर हाँ, इट शुड बी रिवैल्यूड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मार्क द वर्ड, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नोट नंबर टू, रिवैल्यूएशन करवाइए बट एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू ही करवाइएगा। नंबर थ्री, हैव यू हर्ड द वर्ड सीविप? डब्ल्यूआईपी जैसे इन्वेंटरी में होता है वैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आप खुद बिल्डिंग बना रहे होंगे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कह ना इसे ऐसे आपके अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स जो 5 साल के हैं, 2 साल हुआ है तो बताना पड़ेगा ना 2 साल तक कितना पैसा खर्च हो गया है, कुछ प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किए थे और अबैंडन छोड़ दिए होंगे, पैसा खत्म हो गया होगा तो आपने उसको काम होल्ड पे रख दिया होगा। तो देखिए, फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा, विच प्रोजेक्ट्स आर इन प्रोग्रेस एंड विच प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरली सस्पेंडेड, टाइम पीरियड से बताइएगा। अमाउंट लेस देन 1 ईयर में कितना है, 1 to 2 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर्स कितना कितना पैसा खर्च किया है आपने इस पूरे पीरियड के अंदर, क्योंकि अगर मोर देन 3 ईयर हो गया, पैसा इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, मतलब सोचो पैसा अटक गया तुम्हारा, वो इसकी वजह से ना वो एसेट रेडी है ना वो पैसा बाहर निकल सकता है, दैट मनी इज ऑलरेडी स्पेंट, मनी इज ऑलरेडी स्पेंट। नीचे आइए, फॉर डब्ल्यू आई पी वेयर कंप्लीशन इज मार्क द वर्ड ओवर ड्यू, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है, आपने प्लान किया था, देर आर 4 बड़ा बड़ा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हम 5 साल में खत्म करेंगे, 7 साल में खत्म करेंगे, 8 साल में, 10 साल में, अभी तक ना हम ऑन टाइम चल रहे हैं, अभी तक हम ऑन टाइम चल रहे हैं, बट कितना पैसा कब तक खर्च हो गया है वो डिटेल चाहिए। अब सर कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, हमने सोचा 5 साल में खत्म करेंगे, 7 साल हो गया अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मतलब टाइम लाइन के बियॉन्ड जा चुके हैं। फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हुज कंप्लीशन इज ओवर ड्यू, या हमने सोचा था 100 रुपए खर्च करेंगे, ऑलरेडी 105 खर्च हो गया है, हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान। तो बताइए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीटेड होने चाहिए थे विद इन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2, ऐसा बाइफरकेशन देना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट होने चाहिए थे फिर भी 1 साल से ज्यादा हो गया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड वहां पे अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, प्रोजेक्ट का डिटेल एंड अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड देना पड़ेगा, दीज आर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। जैसे ये टेंजिबल एसेट्स के लिए है, सेम वैसे ही किसके लिए आएगा, इंटेंजिबल के लिए। पहले इंटेंजिबल में डिस्क्लोजर देख लो फटाफट से, कम टू इंटेंजिबल, कम टू नोट नंबर 1, सेम मिलेगा आपको। अरे आप कोई सॉफ्टवेयर या ईआरपी बिल्ड कर रहे होंगे 5 साल से लास्ट, इंटेंजिबल में प्रोबेबिलिटी कम होती है, टेंजिबल में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें मैनुअल आर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम। इंटेंजिबल में भी हो सकता है पर इतना ज्यादा नॉर्मली नहीं होता है, सेम फॉर्मेट है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको फॉर्मेट आना चाहिए, बेस्ट पार्ट आई से को फर्क ही नहीं पड़ता आपको आता है कि नहीं आता है, सॉरी बट नो ऑफेंस, रियलिटी है, मतलब फॉर्मेट लिखा मार्क्स पूरा मिल जाएगा, दैट्स इट, सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, मेरी गलती नहीं हुई, वो शेड्यूल 3 में ऐसा ही है, ये कंपनीज को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कैन आई से इंटेंजिबल भी सेम एडिशन डिलीशन रहेंगे, फटाफट आओ क्लोज करते हैं, आ जाइए ऊपर। सबसे पहले वैल्यूएशन, कहना इसे वही 2 वर्ड आएंगे, इस बार डेप्रिसिएशन के जगह वर्ड क्या आएगा, अमोर्टाइजेशन, एंड दूसरा क्या आएगा, इंपेयरमेंट लॉस, कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिए, इंपेयरमेंट असेसमेंट होना चाहिए बराबर से एस पर AS 28 एंड अमोर्टाइजेशन, बराबर है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अब इंटेंजिबल एसेट्स रहेंगे, दे शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो भी है इसके ना, किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे होना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। अब यहां पे आइए एडिशन एंड डिलीशन, कंप्लीटनेस में मिलेगा, कंप्लीटनेस में पॉइंट नंबर 3 इज एडिशन, देखो पॉइंट नंबर AS 10 के जगह इस बार क्या मिलेगा, AS 26 मिलेगा, वहां पर भी परचेस इनवॉइसेस वगैरह चेक किए थे, इधर भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चेक करोगे टू सी कि डेट ऑफ यूज क्या है। हर खर्चा शुड बी अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, प्रोसेस बराबर होना चाहिए, कोटेशंस वगैरह मांगना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आंसर सेम है, बस उधर AS 10 था, इधर AS 26 है, अरे एक ही आंसर याद कर लो दोनों का काम हो जाएगा, बस अलग AS अप्लाई करना आना चाहिए। डिलीशन में भी सेम रहेगा, क्यों आपने बेचा है, रीजन क्या है, प्रोसेस क्या था, अप्रूवल किसका लिया, आइए डिलीशन, रीजंस एंड रैशनली, मैनेजमेंट का अप्रूवल, डिस्कार्ड नोट, बराबर से रिकॉर्ड किया है क्या, सेम आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं है, दिमाग ढंग से लगाया तो कोई तकलीफ होगी नहीं। वैल्यूएशन में हमेशा ध्यान रखना,
इधर वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अमोर्टाइजेशन आएगा. एंड दूसरा इंपेयरमेंट लॉस का असेसमेंट टाइमली बेसिस पे कंपनी ने करना चाहिए एंड इट शुड बी डन इन कंप्लायंस विद AS 28. उधर ले लीजिए आप सर, चलिए डन. इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? और ये जो फॉर्मेट है इसका भी सेम ही रहता है वही. अरे नीचे रहेगा आपके, दिख रहा है इंटेंजिबल एसेट्स, टेक्निकल नो हाउ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट राइट, दिख रहा है क्या? वही फॉर्मेट है पूरा, शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट, वही ग्रॉस ब्लॉक, इस बार डिप्रिसिएशन कैसे है, अमोर्टाइजेशन, नेट ब्लॉक, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, फॉर्मेट है ये. आपको बनाना नहीं, आपको पता होना चाहिए ऐसा होता है. ओके, कैन आई अज्यूम दैट एडिशन का बी पॉइंट टेंजिबल इंटेंजिबल किधर आ जाऊं? बोलो, मेरे को मालूम था AS 26 नहीं पढ़ा तूने. सुनो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज. AS 26 बोलता है जो खर्चा आपने रिसर्च फेज में खर्च किया है, जो खर्चा रिसर्च फेज में हुआ है उसको आप कैपिटलाइज मत कीजिएगा, क्योंकि रिसर्च फेज में आप श्योर नहीं होते हो कि ये एसेट से हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा. सो दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज, इट शुड बी चार्ज्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया है नॉर्मली उसे आप कैपिटलाइज कर सकते हो कि जब मैं रिसर्च कर रहा हूं मैं श्योर नहीं हूं ये एसेट मेरे को काम में आएगा कि नहीं आएगा. लेट्स से मेरे को एक नया ERP बनाना चाहिए, मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूं, उसके लिए जो खर्चा है वो कैपिटलाइज मत करो, इट शुड बी चार्ज्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हेन आई स्टार्ट developing an ERP, then we can say it can be capitalized. AS 26 will cover aega. Okay, ye thoda alag point hai, mere ko laga AS 26 ka reference hai, to koi baat nahi. Point number BB pad lena. Okay, is this clear to you? Iske alawa ek minute ruk jao, this is done. Ha, एग्जिस्टेंस में आओ, पेज नंबर 5C.22. सुनना, इनटेंजिबल एसेट में फिजिकल वेरिफिकेशन तो कर नहीं सकते. अरे टेंजिबल में फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, इनटेंजिबल में फिजिकल वेरिफिकेशन करने का तरीका अलग होगा. तुम बोल रहे हो सॉफ्टवेयर तुम्हारे नाम पे है तो तुमने यूज करना चाहिए, उसके अंदर बदलाव करने का हर चीज का राइट तुम्हारे पास में होना चाहिए. तो वो जो एसेट्स हैं दे आर इन एक्टिव यूज और नॉट, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा. तो यहां पर फिजिकल वेरीफाई करना मुश्किल होगा, उस एसेट का एक्टिव यूसेज कंपनी कर पा रहा है क्या, ये हमें चेक करना पड़ेगा. इससे समझ जाएगा कि सॉफ्टवेयर जो बुक्स में आप दिखा रहे हो वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, टेक्निकल नो हाउ जो आप दिखा रहे हो वो एक्चुअली में कंपनी में एग्जिस्ट करती है. इसलिए फर्स्ट लाइन को मार्क कीजिएगा, सिंस इनटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इसीलिए वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा. इसीलिए वो एक्टिव यूज में है क्या ये हमें देखना चाहिए. या तो आप खुद यूज कर रहे होंगे या आपने किसी को यूज करने के लिए दिया होगा, रॉयल्टी चार्ज कर रहे होंगे, इससे पता चलेगा वो एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं. इसका एग्जिस्टेंस फिजिकल वेरिफिकेशन से नहीं हो पाएगा. इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? दैट्स फॉर योर PPE. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गोइंग टू रिपीट वन लास्ट टाइम, कम टू द स्टार्ट ऑफ PPE. इन PPE सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन वाला पॉइंट नंबर 1 और 3 ध्यान रखना. फिजिकल वेरिफिकेशन पॉइंट नंबर 1 और 3 ध्यान रखना, कारों में भी हेल्प करेगा. 5C.15 टेंजिबल में आ गया हूं वापस, आर यू देयर? इन दोनों को मार्क कीजिएगा. एडिशंस डिलीशंस बराबर चार चार पॉइंट पिक कर लो, सेम चीज टेंजिबल सेम चीज इंटेंजिबल में काम में आ जाएगा. थोड़ा बहुत लैंग्वेज बदलेगा, AS का रेफरेंस बदलेगा, इतना आपको आना चाहिए. पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, चार चीजें आनी चाहिए. डिलीशन में 3-4 पॉइंट दिए वो एज इट इज आने चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. वैल्यूएशन में सिर्फ 2 वर्ड दिमाग में रखने का, क्या? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, एंड दूसरा इज इंपेयरमेंट असेसमेंट एज पर AS 28, इतना आना चाहिए. फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, उसके लिए 505 लगा सकते हो क्या? ये कंफर्मेशन लेटर वाला पॉइंट आपको आना चाहिए MCQ और करेक्ट इनकरेक्ट के लिए. पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के अंदर टाइटल डीड्स वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है. सेकेंड प्रायोरिटी अगर रहेगी वो CVP की रहेगी, उस पर गलती से एक आध बार क्वेश्चन आया तो बात अलग है, अदरवाइज टाइटल डीड्स इज स्टिल द मेजर एरिया जहां पर हमको लगता है प्रॉपर्टी कंपनी के बुक्स के अंदर है पर टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है, ऑब्वियसली उसका डिस्क्लोजर आना चाहिए. अभी गुड, लास्ट वन आ जाइए, लोन्स एंड एडवांसेस.
कुछ पॉइंट्स मार्क करवाता हूं, यहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन तो लास्ट में दिया है, जनरल पॉइंट्स बहुत इजी है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर सेम लगाने वाले हो क्या? यस yes. लिख के दिए नहीं, ऑथर को भी बोर हो गया, उसने बोला सेम प्रोसीजर ही है, उसने भी रेफरेंस देके काम निकाल लिया अपना। तुम कुछ भी लिखो, मतलब लॉजिकल चार पांच पॉइंट लिख सकते हो, 505 पूरा पढ़ा है आपको मैंने, बराबर है। नीचे आ जाओ, कंप्लीटनेस एक दो पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा सा टोटल लोन अग्रीमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे अपन, मार्क द वर्ड वेरीफाई लोन अग्रीमेंट्स। कोई भी लोन्स हमने एक्चुअली में, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने लोन दिए होंगे, तो हमको डायरेक्टर के मीटिंग के मिनट्स में देखना चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स टू कंफर्म इफ ऑल मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस वर अप्रूव्ड बाय बीओडी, पॉइंट नंबर 4 मार्क कर देना, मतलब लोन देने से पहले बीओडी का अप्रूवल लिया कि नहीं लिया। नंबर 5 मार्क कर देना, आपने जिसको लोन दिया सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है क्या उसको, उसका एक्नॉलेजमेंट भी आना चाहिए ना। हमने बोला हमने एक्स वाई जेड को 50 करोड़ का लोन दिया है, उसने 50 करोड़ का लोन एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट साइन किया, उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, यस वी हैव रिसीव्ड अ लोन ऑफ 50 करोड़ रुपीस, ऐसा एक्नॉलेजमेंट भी आना चाहिए। नंबर 5, सेम दो पॉइंट है, लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज एंड लोन्स इन फॉरेन करेंसी, इफ देयर आर एनी रिलेटेड पार्टी, पॉइंट नंबर 7 को मार्क कर दीजिएगा, फॉरेन करेंसी भी किधर तो लिखा हुआ रहेगा, पॉइंट नंबर 7। वैल्यूएशन एजिंग एनालिसिस, जो आपने लोन दिए कितने टाइम से कितना पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 एएस 11, पॉइंट नंबर 8। फिर जो लोन बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग पड़ा है, डाउट आएगा ना पैसा आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये एसेट साइड में आपने लोन दिया है, हमको डर लगेगा ना, इफ दिस मनी इज नॉट गोइंग टू बी रिसीव्ड राइट ऑफ कर देना चाहिए, या फिर इसके रिगार्डिंग भी क्या बनाना चाहिए, प्रॉपर प्रोविजन बनाना चाहिए, तो पॉइंट नंबर 6 को मार्क कर लीजिए। बैड लोन्स कितने हो सकते हैं, राइट ऑफ करने की जरूरत है क्या, प्रॉपर एक मूवमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ मूवमेंट मैनेजमेंट बना के रखेगा, वो आपने चेक करना चाहिए कि भाई इस साल में कितना और नया लोन दिया है, रीपेमेंट टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और लोन से तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में डिवाइड करना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी को जो लोन रहते हैं वो बताना पड़ता है, एज पर एएस 18 ऑल्सो लोन्स गिवन टू रिलेटेड पार्टीज, लोन्स टेकन भी दिखाना पड़ता है, वो बोरोइंग में भी आता है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एएस 18। तो बाइफर्केशन रखना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये बेयर मिनिमम आपको आना चाहिए। इसमें जो सबसे दिमाग लगाने वाली चीज है वो ये है, इंपॉर्टेंट नोट, इसको आइए मार्क कीजिएगा। This is coming from कारो क्लॉज नंबर 3। This is coming from कारो क्लॉज नंबर 3। सुनिए मेरा बात, कभी कभी हो सकता है कंपनी के मैनेजमेंट के लोग प्रमोटर्स को या की मैनेजरियल पर्सनल को या उनके रिलेटिव्स को हमने लोन दिया होगा, हमने एज अ कंपनी लोन दिया होगा, द लोन कैन बी रीपेबल ऑन डिमांड, 50 करोड़ का लोन दे दिया, जब कंपनी मांगेगा तब वापस दे देना, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ये क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर ऐसा है तो हमें डिस्क्लोजर एज अ कंपनी देना पड़ता है, एज अ ऑडिटर देखना ये डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, उसमें टोटल अमाउंट इन्वॉल्व कितना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने टोटल लोन जो दिए वो 100 करोड़ के, उसमें से आपने डायरेक्टर्स की मैनेजर पर्सनल इनको ही लोन देकर 60-70 करोड़ का, एंड दैट लोन इज गिवन एज अ रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब कोई रीपेमेंट शेड्यूल ही नहीं है, जब हम मांगेंगे तब आप हमको रीपे कर देना, व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व एंड टोटल उनका कितना परसेंटेज है, ये हमें बताना पड़ता है। एक लाइन को मार्क कीजिएगा, फॉलोइंग डिस्क्लोजर शुड बी मेड वेयर लोन्स और एडवांसेस आर इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड टू प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सनल्स, या तो इंडिविजुअली किसी एक को दिया होगा या जॉइंटली दिया होगा, या तो लोन दिया होगा विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, या दूसरे शब्दों में कोई रीपेमेंट का पीरियड या टर्म्स ही स्पेसिफाई नहीं किया होगा, दोनों केस में रिस्क है, शायद वो प्रमोटर या की मैनेजर पर्सनल इस पैसे का क्या कर रहा होगा, मिसयूज कर रहा होगा, क्योंकि आप न तो टर्म स्पेसिफाई कर रहे हो और या बोल रहे हो कि रीपेमेंट जब हम मांगेंगे तब दे देना, ये रिस्की ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किस किस को पैसा दिया है, अमाउंट ऑफ लोन एंड टोटल लोन अगर 1000 है, मैं बोलता हूं ये 100 है, कहना है दिस इज 10% ऑफ दिस, अरे हाँ है ना, परसेंटेज दिखाना पड़ेगा अमाउंट के साथ साथ में कि कितना लोन हमने किन किन को, जो मेरे प्रमोटर ग्रुप में आते हैं, की मैनेजर पर्सनल की डेफिनेशन में आते हैं, या अदर रिलेटेड पार्टीज के डेफिनेशन में आते हैं, जिनको हमने लोन के फॉर्म में पैसा दिया है। ये कारो के क्लॉज नंबर 3 के अंदर एक लाइन आइटम था, उसको ही शेड्यूल 3 से पिक किया गया है। इज दिस क्लियर टू यू, ये आपको आना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से बैलेंस शीट का एसेट साइड का अंडरस्टैंडिंग यहां पे कंप्लीट होता है, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब एक चीज नोटिस करो, पूरा एक साइड हम डिटेल में डिस्कशन करने के बाद, थोड़ा और दो तीन चीज ऐड करने के बावजूद भी 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं,
मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप थोड़ा बहुत एफर्ट, इस चैप्टर का एक ही प्रॉब्लम है बार बार बोलता हूँ बच्चा, इस चैप्टर को ना बहुत ज्यादा लाइटली लेता है या ब्ला, मतलब मेरे को नहीं पढ़ने का, समझ रहे हो, मतलब व्हाटएवर, मेरे को आता है नहीं आता, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, दैट अप्रोच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मैं उल्टा बोलता हूँ, ये अगर स्ट्रेस है तो उसको ढंग से पहले ही पढ़ के, पहले ही 5-7 क्वेश्चन लिख करके, इंपॉर्टेंट चीज मार्क करके साइड में रख दो, फिनिश इट वंस प्रॉपरली, कीप इट इन वन साइड, देन इतना प्रिपरेशन करके रखना कि लास्ट डे में मैंने इसको रीड किया ना तब भी मेरे को पता रहेगा कहां से कितना पढ़ना और क्या आंसर लिखने का है। ये बैठ के याद नहीं कर सकते हो, ये लास्ट डे रीड करना ही पड़ेगा। लास्ट डे एसेस पे टाइम कम डिवोट करना होता है, 2 चैप्टर पे टाइम सबसे ज्यादा डिवोट करना होता है, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। बट वो टाइम डिवोट करने का फायदा तब होगा जब पहले से बैकग्राउंड रेडी किया होगा। अगर पता ही नहीं होगा ना लास्ट डे कि मेरे को पीपी में क्या पढ़ना है, लास्ट डे पूरा पीपी पढ़ के फायदा नहीं होने वाला है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं नहीं बोल सकता हूं ये एक पेज मुझे लिखा इतना ही पढ़ ले, नहीं, किधर से भी कोई भी कॉर्नर से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए गो थ्रू करना जरूरी है, बट स्मार्टली मेरे दिमाग को पता होना चाहिए, टैंजिबल में ये 4 एरिया है, इंटेंजिबल में ये एरिया है, ये एक टेबल है, काहे को फालतू लिख के बैठे हो साइड साइड के अंदर, जब ऑलरेडी पढ़ा है, मार्किंग करके रखा हुआ है, गो थ्रू करना का स्ट्रिक्टली। एंड जब रेगुलर बुक गो थ्रू किया होगा ना लास्ट डे, तो कॉन्फिडेंस बहुत आएगा एग्जाम के दिन में, छोड़ के नहीं गए तो अगर शॉर्टकट लगा के जाएगा तो एग्जाम में पहले डर है कि मेरे को बहुत सारा नहीं आता है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो फियर कब खराब हो जाएगा, जब क्वेश्चन वैसा आ जाएगा असर्शन वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दोस क्वेश्चंस विल ट्राई टू ट्रबल यू मोर, आई डोंट वांट दैट टू हैपन, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से, ये बुक्स को, अपने मॉड्यूल्स को, जो भी है पूरे रेगुलर बुक्स पढ़ो ढंग से, इंपॉर्टेंट मार्किंग करके रखो, शॉर्टकट इन चैप्टर्स में बिल्कुल भी मत लगाओ, क्योंकि इन चैप्टर में कुछ भी पूछ सकते हैं, लिटरली मैं आपको बोल रहा हूं, मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा, प्रिडिक्ट करते बोलते बोलते भी मेरे को 4 घंटा हो गया, बराबर है कि नहीं, अभी भी मेरे से कंप्लीट हुआ गया चैप्टर नहीं होना, क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि इतनी चीजें पूछी जा सकती है, अगर मैं सही में तुक्का भी लगाऊं तो भी मेरे को बहुत सोच समझ से कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, आई शुड ऑल्सो भी, क्योंकि मैं अगर रैंडमली कुछ भी छोड़ दूंगा, तूने वो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, वही आ गया, तो यू कैन नॉट टेक सच अ रिस्क, इट्स अ थ्योरी पेपर, मैं आपको वही बता रहा हूं, थोड़ा आपको इस स्टेज पे शॉर्टकट के बजाय ज्यादा एफर्ट डालने के बारे में सोचना चाहिए। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Q&A मॉड्यूल किधर गया? थोड़े डिफिकल्ट वाले दिखाता हूं, मतलब इजी वाले दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑडिटर ऑफ एबीसी फॉर्म ऑफ ऑडिटर इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ XYZ इन वाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ एडिशंस दे वांटेड टू वेरीफाई दैट वेदर ऑल पीपीई परचेज इनवॉइसेस आर इन द नेम ऑफ द कंपनी। ओके, For all additions to land building, the auditor desires to have a concrete evidence about ownership. Okay. The auditor is worried whether entity has valid legal ownership rights over PPE claimed to have been held by the entity and recorded. Advice. कुछ नहीं, auditor कुछ worried नहीं, उसको PPE check करना है. ठीक है, और वो भी क्या check करना है? Additions. क्या check करना है? Additions. वो कितना भी बोल रहे ownership check करना है, उस पर तो एक ही line है, वो खुद लिख दिया उसने. अब एडवाइस क्या करेगा? यही देख कि टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, बराबर है, उसके अलावा क्या, पूरा प्रोसेस लिखना ही पड़ेगा। देखो, इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स फॉर वेरीफाइंग कंप्लीटनेस ऑफ एडिशंस ऑडिटर विल वेरीफाई टेस्टिंग ऑफ एडिशन के भाई इनवॉइसेस वगैरह कंपनी के नाम पे होने चाहिए, मतलब टाइटल ऑफ ओनरशिप शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। फॉर ऑल लैंड बिल्डिंग एंड ऑल, क्या हमको कॉपीज ऑफ कन्वेंस डीड सेल डीड वगैरह लेना चाहिए? यस। ऑडिटर ने इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल टाइटल डीड चाहिए फॉर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। फिर बताएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी कभी कैन बी गिवन टू अ थर्ड पार्टी, तो कैन आई से उसमें थर्ड पार्टी के केस में हमें कंफर्मेशन लेटर भेजना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, सेम आपने पॉइंट मार्क किए, पहले 2 पॉइंट क्वेश्चन से उठाए, आंसर 3 और 4 ही है। पॉइंट नंबर 5, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, पॉइंट 3 ही है ना, अरे 1 और 2 इस क्वेश्चन में जो लिखा वही कॉपी पेस्ट है, पहला 2 पॉइंट जो क्वेश्चन में लिखा वो कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा। द फोकस इज एंटायरली ओनली एंड ओनली ऑन टाइटल डीड्स, मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करने का उसको। वापस से, ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ XYZ
एडिशन चेक कर रहा है, क्या वेरीफाई करना चाहता है, पीपीई में परचेज इनवॉइसेस आर इन द नेम ऑफ द कंपनी। वापस से कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए किसके बारे में, ओनरशिप के बारे में, वेदर एंटिटी हैज वैलिड लीगल ओनरशिप राइट्स ओवर पीपी, ये देखने का है, मतलब बेसिकली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखने का है, बराबर है। पॉइंट नंबर वन एंड टू क्वेश्चन से आया है, चेक करो सेम चीज लिखा है ऊपर क्वेश्चन में, ये तीन पॉइंट अपने आंसर है। अरे सेम तीन पॉइंट है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में, अभी मार्क करके आए हो आप, ठीक है। अभी जनरल एडिशन क्वेश्चन कैसा दिखता है, आइए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं। नंबर 13, एमएनओ एंड एसोसिएट्स आर दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ वीनस लिमिटेड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वन ऑफ द टीम मेंबर्स जो भी है नोटिस दैट द कंपनी हैज मेड लोन्स टोटलिंग 50 लाख टू द प्रमोटर, लोन दिया है किसको, प्रमोटर को, नेमली मिस्टर राज एंड राजीव, विदाउट स्पेसिफाइंग द पीरियड ऑफ रीपेमेंट, दे डिस्कस विद मिस्टर मानिक द एंगेजमेंट पार्टनर अबाउट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और डिस्कशन क्या कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, फालतू की कहानी है। ऊपर उसने 50 लाख का लोन दिया प्रमोटर को और टर्म्स क्या है, कुछ भी नहीं, विदाउट स्पेसिफाइंग द पीरियड ऑफ रीप, कैन आई से द रीपेबल ऑन डिमांड, दे आर रिपेबल ऑन डिमांड। तो आपको क्या करने का है, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताने का है। देखो अभी जस्ट पढ़ा है लास्ट में लोन सेल एडवांसेस, जिधर डब्बा आएगा उधर आईसीए केस स्टडी बनाएगा। अरे गिने चुने हैं यार, डर क्यों रहे हो, इतने से ही है, दो चार वर्ड ढंग से पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स फाइन, ऐसा कोई एक आएगा। ये याद करो पहले दिन स्पेसिफिक क्वेश्चन, दो कैटेगरी, भूल गए तुम भूल गए, मैं नहीं भूला, बोला था शेड्यूल 3 बेस्ड और दूसरा चैप्टर बेस्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, दो इधर से और एक इधर से और कभी कभी शायद एक आध उधर से, जब कुछ समझ में ना आए तो शायद वो यही रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस नॉर्मली पेपर विल बी फ्रॉम दिस साइड। एक क्वेश्चन और देखें, मतलब सैड क्यों थे यार। क्वेश्चन 15, मर्करी लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोर मैट्स, कंपनी सेल्स इट्स गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके, डेटर्स बैलेंस ऑन 31st March इज 20 crore, वेरी गुड, व्हाट इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल 3 रिगार्डिंग द एजिंग शेड्यूल ऑफ डेटर, टेबल उठाया एडिट डाल दिए, ये आईसीए के सब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जुपिटर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू नोटिस दैट द कंपनी हैज पीपी अंडर कंस्ट्रक्शन, देखो स्पेसिफाई भी करता है, उसको डर लगता है तेरे को समझेगा नहीं, दैट इज सीविप। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिस्क्लोजर्स कंपनी शुड गिव इन रेस्पेक्ट टू एजिंग शेड्यूल ऑफ सच सीविप, ऑनेस्टली इतना आंसर भी सफिशियंट है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए दूसरा इंक्लूड किया है कि भाई अगर आपका शेड्यूल के अंदर कंप्लीशन नहीं हुआ, ओवरड्यू हो गया, पैसा ज्यादा खर्च हो गया, तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। वेरी गुड, ये पास्ट क्वेश्चन है, एक ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन, अभी तक स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे, अब एग्जाम क्वेश्चन है, ये पढ़ो। CAR इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ QRS व्हाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, ही वॉन्ट्स टू वेरीफाई दैट All PP are in the name of the entity. Okay. Rights and obligation. All additions auditor desires to have concrete ownership about. मतलब concrete about the ownership. Auditor wants to know whether they are. अरे वही same question ऊपर वाला. ये बस ABC में लिखा हुआ है. अरे वो तीनों rights and obligation ही check करना है उसको. वो immovable property वाला answer आएगा. Conveyance deed, sale deed, immovable property. अरे वही question है. और टुकड़ों में डिवाइड कर दिया पैराग्राफ के बजाय, क्वेश्चन ही सेम है कुछ अलग। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया। ये प्रश्न पढ़ो 22, एबीसी हैज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना, 850 लाख, ओके डब्ल्यूआईपी है,
a statutory auditor explain various audit procedures that needs to be performed to confirm WIP have been. Sir, valuation pucha sir, kyunki valuation hi likha module mein, baaki WIP ne kuch likha hi nahi hai. Number one, alag alag stages kya hai, what are the elements of cost included, are absorption of overheads hota hai kya, valuation for WIP same point match ho jayenge, various stages, elements of cost included, is there any reason, how do you absorb the overheads. बहुत अच्छी शक्ल बना रहे हो आप लोग, टाइम पास, इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन 26, लास्ट क्वेश्चन. अ सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी, वो जो मॉड्यूल में लिखा है ना वो सेम पैराग्राफ उठाए हैं, इज टू कॉन्टैक्ट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट हेल्ड इन करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ब्ला 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 ब्ला. डायरेक्ट कंफर्मेशन तो सीधे पूछ रहा है क्या, क्या ना ऐसे, ये तो क्वेश्चन में ही था नंबर वन, तो 100% चेकिंग करना पड़ेगा. ये आंसर भी 100% कंप्लीट नहीं है, ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए. अरे पढ़ाया तुमको मैंने, मार्किंग करवा के भी दिए हैं, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा पढ़ सकते हो, अभी पढ़ा दिया है, अब तो पढ़ ही लेना. अभी गुड, दैट्स ऑल फॉर द बैलेंस शीट साइड. बैलेंस शीट में एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड के लिए 1-1.5 बार लगेगा, आज कंप्लीट नहीं होगा, ओवरबोर्डिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए और तुम्हारा शक्ल बहुत अच्छा हो गया है. सो टुमारो विल फिनिश दैट पार्ट एंड टुमारो आफ्टर दैट वी विल इवन हैव वन लेक्चर फॉर SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहां पर अपन चैप्टर नंबर 2 का जो पहले बचाव पार्ट है वो खत्म करने का ट्राई करेंगे. अभी गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइज, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. एंजॉय, बाय बाय. Thank you, online students.